Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक जी, बताइए राबिया। राबिया इसे बहुत इज ऑल ओवर द प्लेस। तो शाजिया आप बताइए और आप शुरू कीजिए। वापस से आज आपने ऑन द स्पॉट जॉगिंग करी है पिछली ड्रामा गप की तरह। हाय, ऑन द स्पॉट जॉगिंग। देखिए, आज मैंने सोचा था मेरा दिन जरा स्लो गुजरेगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। मैंने सेकंड हाफ में कुछ चीजें करने के लिए रखी थी, बट अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा बिजी दिन गुजरा कि मतलब समझ नहीं आ रही कि मुझे समझ नहीं, मैं सांस कहाँ से लूँ, मैं इतना भागम दौड़ में हूँ, बट अल्लाह का तो शुक्र। फिर मैं आपको वो गाना आज डेडिकेट कर देती हूँ, अगर पीछे लेकिन लगाएंगे तो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। मैनिक मंडे, इट्स हाँ, जस्ट अनदर यस, मैनिक मंडे, सो दैट्स व्हाट इट जस्ट अनदर वाज। मैनिक मंडे। और पता है, मैंने ना वीकेंड पे सोचा मैं मंडे ऑफ ले लूंगी। मैंने कहा मैं एक इंटरव्यू फाइनल करना है, वो मैं ऑनलाइन करके मैं फारिग, यू नो, अब मैं सोचू, मैं हाउ आई कुडंट इवन थिंक अबाउट, लाइक हाउ कुड हैव आई टेकन ऑफ, नो देयर इज नो वे। अगेन अल्लाह का राबिया, शुक्र। ही होता है वीकेंड पे, यूं ही होता है, झूम होता है। आपने दो या तीन ट्वीट तो सिर्फ कुछ अनकहीं पे ही मार दिए, फिर आप मंडे ऑफ कैसे ले सकती हैं? आप कौन सी पागों की दुनिया में घूमे, मुझे ही दैट्स बता ट्रू, दें। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ठीक है, चलो, ओके। ओके सो ओके, वी वी हैव सिक्स बिगिन। ड्रामास, वी हैव सिक्स ड्रामास। वी आर हैव मोहब्बत गुमशुदा मेरी, तेरे इश्क के नाम, यूं ही, झूम, कुछ अनकही, एंड प्यारी मोना। आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद प्यारी मोना। ओके, वी कैन स्टार्ट विद प्यारी मोना। जी, आप थोड़ी से मोना के रवैये से खुश हुई जब बाबर घर के अंदर आए फॉर और जब मी, उन्होंने अपनी अम्मी से ओके, बात करी? आई एम सॉरी, बट फॉर मी द ड्रामा हैज गॉन कंप्लीटली डाउन। आई मीन, कोई हम बच्चों का शो देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? मोना क्या है हमारे लिए? एम आई सपोज टू टेक मोना सीरियसली? एम आई सपोज टू फील समथिंग फॉर हर? आई एम सॉरी, आई एम नॉट। जो वो चीजें दिखा रहे थे, मुझे मुझे बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि मे बी आई एम अ वेरी सीरियस पर्सन और वॉट, आई आई डोंट नो, आई कुड नॉट रियली अंडरस्टैंड वॉट द ड्रामा वॉज ट्राइंग टू शो और डू। अगर आप एक सीरियस बात भी कर रहे हैं तो इस तरह के एटीट्यूड से तो कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा ना। एंड बात वही आ जाती है फिर कि हम स्टीरियोटाइप कर रहे हैं कि जो लोग हमारे गिवन स्टैंडर्ड्स ऑफ हाउ वन पर्सन शुड लुक में नहीं फॉल करते, तो उनकी हर चीज जो है वो सही नहीं होती है क्या? उनका बिहेवियर भी सही नहीं होता, उनके इश्यूज भी ज्यादा होते हैं। आर वी ट्राइंग टू से दैट? बिकॉज आई डोंट सी एनी अदर फीमेल एनी अदर फीमेल कैरेक्टर डूइंग समथिंग सिमिलर इन सर्टेन इन सेम सिचुएशंस, नंबर वन। नंबर टू, ये कोई हम कॉमेडी तो देख नहीं रहे, इट्स अ सीरियस इशू जिसको सीरियसली ही हैंडल करना चाहिए था। ये मेरा व्यू है। सॉरी शाजी, आप कुछ और एक्सपेक्ट करी थी, मैं तो ऊपर से आ गई थी सीरियसली। तो आई एक्चुअली रियली लाइक, पहले सबसे पहले उसकी इसकी अम्मा से बात हुई थी और अम्मा को उसने पूरा झाड़ सुना दी। उसने कहा, आपने ये उससे नहीं पूछा कि वो एक और लड़की के साथ घूम रहा था, उसके साथ घर में रहने चला गया, ही लेफ्ट मी। आपने सिर्फ ये देखा कि मैं मोटी हूँ और उसको वापस आना चाहिए, सो शी ऑब्वियसली अम्मा के ऊपर तो इट जस्ट बाउंसेस ऑफ लाइक दिस, ठीक है। लेकिन जब बाबर आया, शी मेड इट वेरी क्लियर, शी सेड अगर तुम अपोलोजाइज भी कर लेते, That was Mona being sarcastic and being the way she always is. और मुझे actually एक पुरानी मूवी याद आई, इंडियन, इट वॉज नीतू सिंह एंड ऋषि कपूर, एंड ऋषि कपूर नहीं आया था उसके साथ खाने पे, शी वॉज वेटिंग, तुम्हें याद है? आई डोंट नो। तो वो पहले एक तरफ बैठती है टेबल की और वो बिकॉज देयर टू पीपल शी वॉज वेटिंग फॉर हिम, और वो बातें करती है एज इफ शी इज ऋषि कपूर, फिर वो दूसरी साइड पे जाके बैठती है, फिर वो बातें करती है एज इफ शी इज टॉकिंग, एंड शी डिड द होल डिनर लाइक दैट। एंड मैंने कहा, ओके, दिस इज हाउ शी इज गोइंग टू प्ले इट सार्कास्टिकली, सो दैट बाबर को समझ नहीं आ रहा कि वो कहे क्या। शी इज वेरी एंग्री, आई कुड सी हर एंगर, आई कुड सी दैट शी डजंट वांट टू कम टू टर्म्स विद हिम। वो इसीलिए इरफान से भी कॉल कर रही है, बट मोना इज दैट पर्सन जो आयान की वजह से कोशिश शायद कर ले, लेकिन अभी नहीं कर रही। इन दिस एपिसोड आई डिडंट सी हर ट्राइंग टू मेक अप विद बाबर, एंड आई लाइक दैट। आई डोंट थिंक शी विल मेक एन शी विल डू दैट। मैं बहुत डिसअपॉइंट होंगी अगर वो करेगी, क्योंकि बाबर ने हमें कोई चांस नहीं दिया है कि वो हमें कन्विंस कर सके दैट ही शुड बी गिवन अ चांस। मेरे हिसाब से तो ही शुड नॉट बी गिवन अ चांस बिकॉज ही इज ऑलरेडी चीटेड ऑन। बिल्कुल, जो तुम्हारी हाँ बात है वो बिल्कुल सही बात है कि उसने बाबर को बोला कि तुमने सॉरी नहीं बोला, इन सब कुछ चीजें वो वैलिड है। आई जस्ट डोंट लाइक द वे इट वॉज एग्जीक्यूटेड। आई फेल्ट दैट वो मुझे बिल्कुल मुझे नहीं समझ आई, बट ये पर्सनल चॉइस की बात है। तुम्हें वो समझ आई, मुझे नहीं समझ आई, एंड मे बी मोस्टली हाँ पीपल डिड लाइक इट।
बट अदर देन दैट एंड देन अगेन हाँ इट वाज नथिंग मच इन द ड्रामा. वो ही ड्रैग कर रहा है, वही चीजें हो रही हैं. अच्छा बाबर अगर कोशिश कर भी रहे हैं तो वो इतनी लेम कोशिश है, वो कुछ क्वेश्चन कोशिश नहीं कर रहे करो. भाई, ही शुड हैव फर्स्ट कम इन एंड बीन रिमोर्सफुल। उसने तो अपोलोजाइज ही नहीं किया, तो उसकी तो जर्नी नहीं आगे बढ़ी, कुछ और भी नहीं किया उसने। मैड एट हिम। एंड आई ऑल्सो आई आई डोंट नो, आई कांट पिन पॉइंट शाजिया. जब वो डाइनिंग टेबल पे भी बैठती है तो मोना जिस तरीके से बाबर के साथ बिहेव करती है, मुझे नहीं, आई मीन आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स द साइड जहां हम कहते हैं कि ओ मियाँ वापस आया या बंदा वापस आया तो औरत बड़ी अच्छी हो, ये वो हो. बट मैं ये भी नहीं चाहती कि वो जो अभी ये कर रही है, यू नो. फॉर मी मे बी आई एम बींग अ वेरी जजमेंटल ऑडियंस राइट नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, दैट आई वॉन्ट हर टू प्ले द यू नो द दुखी वाली औरत एंड शी इज नॉट प्लेइंग इट. सो शायद मेरे यू जो वो एक्सपेक्टेशन है वो उस पर नहीं उतर रही है एंड आई कांट टेक हर दिस 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 साइड ऑफ हर वे शी इज अटैकिंग यू नो बाबर. तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही है. तो थोड़ा सा मुझे इस पॉइंट से देखने में ना वो हुआ था, मजा नहीं आ रहा था मुझे. मुझे मुझे एक्चुअली ये भी अच्छा लगा, बिकॉज आई थिंक मोना को कुछ तो रिएक्ट करना है, और मोना इज नॉट द टाइप। जब उसकी शादी की रात भी थी तो वो अकेली बैठ के रोई नहीं थी, उसने अपनी तस्वीरें सेल्फीज खींची थी, जबकि इट्स नॉट दैट शी डज फील सैड, शी इज वेरी अपसेट। उसने इरफान को इसीलिए फोन किया कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट फॉर मी दैट इज मोना, बट दैट वॉज हर रिएक्शन। अब मुझे वो नहीं समझ आ रहा, जो लॉयर की वो ट्विस्ट लेकर आए हैं, वो जो लड़की थी, वो मुझे सीन बहुत ऑफ लगा था, आउट ऑफ कैरेक्टर। प्लीज आप कोई सपोर्ट एक्ट्रेस एक्टर लेकर आए तो आप उनको पहले तो 10-15 बार प्रैक्टिस कराएं अगर आप, बिकॉज शी वॉज, देखो बाबर की, अदील की एक्टिंग अच्छी है, मोना की एक्टिंग, सनम जंग हैज बीन, एवरीवन इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। फिर आप इनको, इट्स अनफेयर टू द न्यू एक्टर हु इज कमिंग इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी एंड गिविंग अस सच अ परफॉर्मेंस एंड सच अ स्क्रिप्ट व्हिच इज टोटली ऑफ। कुछ नहीं समझ आया मुझे कि क्या हुआ, और आप एक नया ट्विस्ट अब क्यों लेकर आ रहे हैं। वी वॉन्ट टू सी द टू ऑफ देम कमिंग टूगेदर और नॉट कमिंग टूगेदर, लेकिन वो नहीं। सो आई वॉज मोर अपसेट अबाउट इट। ड्रैग हो रहा है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है. जब वो कैरेक्टर आया तो मैंने जस्ट चलो अनदर ट्विस्ट टू ड्रैग द ड्रामा. तो द अब ड्रामा कहाँ टाइम। मैं बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ के बैठी हूँ. मेरा दिल चाह रहा है मैं छोड़ दूँ, मुझे नहीं मजा आ रहा बिल्कुल भी उसको देखने और के. किंजा की कहानी नहीं समझ आ रही कि किंजा अब अपने कजन को लेके क्यों बैठ गई है, वो क्यों अपसेट हो रहा है, वो बार बार क्यों कजन का नाम ले रही है। नॉट दैट आई मीन ही शुड बी सिक्योर, बट व्हाई डज शी कीप सेइंग दैट कि हाँ वो तो अभी भी मुझसे शादी करने को तैयार है। सो इफ दे आर मेकिंग अस ऑल्सो क्यूरियस, अब वो टाइम गुजर चुका है टू मेक अस क्यूरियस अबाउट थिंग्स, इट्स टाइम टू रैप अप द स्टोरी। तो यहाँ, बट अदर देन द फैक्ट कि मुझे उसका रिएक्शन अच्छा लगा था, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट टेकिंग अवे फ्रॉम द नैरेटिव मैं सो हर फार। बार वेट कर रही होती हूँ कि अब आएगा कि सेकंड लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. हाँ लाइक बिल्कुल, ओके, सो इट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट. ओके ओके। तेरे गुमशुदा मेरी या तेरे तेरेश के नाम, विच वन डू यू वांट टू डू? जो भी आपको, आप बताइए। तेरेश वी कैन डू तेरेश के नाम. के नाम, ओके जी। तो उन्होंने ज्वेलरी नहीं ली, लेकिन उनके वालिद समझ रहे हैं उन्होंने ले ली है, और खुर्शीद बताने की कोशिश की। बड़ा टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामे वाला वो है ट्विस्ट जो है ना, कि वो कोशिश कर रहे बता दे, वो कह रहे अभी मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कहा ना अभी मुझे कुछ नहीं सुनना। तो वो चले गए, वो बहुत, मुझे तो डर लग रहा था कि वो धड़की ना आ जाए, उनको हार्ट अटैक या कुछ। जब वो बैठे हुए थे ना रॉकिंग चेयर पे, और वो आता है अंदर खुर्शीद, आई थॉट ही इज गॉन, मैंने कहा वो शुक्र ही स्टिल देयर, बिकॉज दैट वुड हैव बीन वेरी ट्रैजिक। आई ऑल डिड, द फादर्स कैरेक्टर्स, हर ट्रेजिडी के साथ हमें होता है इस ड्रामे में, ये फादर लुड़का, ये अम्मा लुड़की, ये कुछ ये ना हो जाए. यू आर राइट. आई वॉज ऑल्सो, ये इंटरेस्टिंग चीज है कि जब वो गई तो वी आर वेटिंग कि अच्छा क्या होगा, अब भी उसको रोकेगा या नहीं रोकेगा रुतबा को खुर्शीद. लेकिन रुतबा ने बैठ के हमें, हम सबको हैरान कर दिया. वो दूसरी तरफ चली गई एंड हिबा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उस पॉइंट पे जब वो रो रही होती है और जेवर को देख रही होती है. तो वो हम सबका एक सरप्राइज था कि हम लोग समझती है लेके चली जाएगी, यू नो, और शायद उसको वो रोक ले या क्या करे, या मैं समझी थी बाप ने पेपर्स रिप्लेस करा दिए होंगे क्योंकि पप्पो ने बता दिया था बाप को, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो दैट वॉज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज. अदर देन दैट आई जस्ट फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज. मुझे लगता है ये थोड़ा सा, ये या तो फिर हम लोग दिमाग बंद कर ले और हम बोलें कि ये जो है ना इस तरह के ही ड्रामे होंगे, लेकिन हम ये कर नहीं पाते कि रुतबा को बार बार
अल्तमश जो है वो कह रहा है कि तुम ये लेकर आओ, तुम वो लेकर आओ, कोई भी लड़की अपने लॉजिकल सेंस से बोलेगी नो आई विल नॉट डू दैट, इट्स ओके, आई विल डिमांड इट फ्रॉम माय फादर, और अगर मेरा बाप नहीं दे रहा है तो तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं, मुझे जरूरत नहीं है, और रुतबा को ऐसा दिखाया भी नहीं है. आई डू अंडरस्टैंड एक एंगल वो होता है कि आपकी जायदाद में हिस्सा है और आप अपना हक मांगे, लेकिन जब दूसरा बंदा आपको बार बार इस चीज पे हाईलाइट कर रहा हो तो फिर आप दूसरे बंदे की को थोड़ा सा शक से देखते हैं, जो रुतबा शक से भी नहीं देख रही है, वो या कंप्लीटली रुतबा प्रेशर में आके करे, जैसे यूं ही में देखते हैं कि उनकी वो जो या है बेटी वो प्रेशर में, रुतबा थिंक्स ही इज राइट एंड या दैट इट्स ओके। तो ये बात बहुत अजीब लग रही है, बहुत लेकिन अजीब अब जो लगी है. प्रोमो में दिखा है अब उसको थोड़ा सा आई थिंक धक्का लगेगा, क्योंकि वो अजका बात इधर से उधर कर रही है या एंड शी विल नो दैट विल हैपन। व्हाट आई डिड लाइक वाज कि जब वो पीछे जाके उनसे कह रही थी बार बार मेहर अली से कि आप अपनी बेटी से इस तरह नहीं ले सकते जायदाद, ही सेड नहीं मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका ससुराल ये समझे कि मैंने ले ली है, क्योंकि उनका रवैया ही इज आई लाइक द फैक्ट दैट ही इज नॉट ए टिपिकल स्ट्रिक्ट नो फादर जो थोड़ा थोड़ा हमें नजर आया कि फोन ले लिया ये ले लिया, ही हैज अ प्लान इन माइंड, लेकिन ऑब्वियसली अभी वो काफी काफी डिसअपॉइंट हो गए हैं विच इज व्हाई अभी ही इज तो नॉट देखो सारी ये रिएक्टिंग बात तो क्लियर है, क्विकली। बाप जो है ना वो सिर्फ रुतबा को ये बताना चाहता है या सिखाना चाहता है सबक कि तुम्हारा डिसीजन गलत था, तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, ये लोग तुम्हें नहीं तुम्हारी जायदाद के पीछे हैं, वो ये क्लियरली देना चाहता है. एंड क्योंकि वो सुन नहीं रही थी तो ही सेड जाओ जाके खेल लो फिर. एंड और उसने ये भी बोला कि ठीक है मैं उससे नाराज हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन उसकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना, वो उसको ये भी बोलता है जो उनके घर में रहती हैं. तो ये सब चीजें हैं एज अ फादर, सो ही इज डिसअपॉइंटेड, बट माय क्वेश्चन इज अगेन दैट डिड ही हैव टू टेक दिस साइड, वो उसको फैसिलिटेट भी कर सकते थे सब कुछ. एंड देखो रुतबा भी आके रोती है, बोलती है क्या मेरी इतनी बड़ी गलती है कि अब्बा मुझे बिल्कुल भी बाबा मुझे माफ नहीं कर सकते, शी इज फीलिंग इट, उसको महसूस होता है. सो ड्रामा ओके है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, वी आर जस्ट वेटिंग कि आगे क्या होता है, एंड देन वी सी हर्ट सही मोर. फील कर रही है, आई एम ग्लैड शी इज फीलिंग इट एंड आई एम ग्लैड दे डिडन्ट वेट फॉर हाफ द ड्रामा टू गो थ्रू फॉर हर टू रिकग्नाइज इट। मुझे बस एक सीन बहुत फनी लगा था जब वो जाके खुर्शीद से उसका फोन मांगती है, खुर्शीद कहता है बात करो लेकिन मेरे सामने को, कहती है तुम इतने बदतमीज हो बेखैरा तो सब बातें सुनोगे मियाँ बीवी की, एंड ही सेड मुझे नहीं फर्क पड़ता बस यही खड़े होके बात करो जो भी बात करनी है। मैं अभी सो यही दैट्स चीज वेरी कहने वाली थी कि वो मजे का सीन था जब वो जाती भी है ना उससे प्यार से बात करती है आई एम सॉरी, वो तो वो कहता है क्या हाँ बात है तुम इतनी अच्छी मुझसे काम के बगैर नहीं हो सकती, इसे काम बताओ. सो बस तेरे इश्क के नाम है और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा इस बार के एपिसोड में. वी विल सी हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स इन द कमिंग वीक्स. या आई जस्ट लाइक इट कि जो सीधे साधे मासूम है वो उतने मासूम नहीं है, वो या अपने सेल्फ स्टीम के लिए खड़े हैं एंड आई लाइक दैट अबाउट तेरे इश्क के नाम। ओके सो नाउ वी गो ऑन टू मोहब्बत गुमशुदा मेरी। यस जी अच्छा जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह साइन के माँ बाप ने पलटा खाया, और वो तो बिल्कुल सीधे हो गए हैं दोनों के दोनों, बल्कि अब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अब हमें लग रहा है वी एक्चुअली फीलिंग बैड फॉर देम, आई फील बैड कि भाई वो जब झुक चुके हैं अपने बेटे के लिए तो अब इधर से एटीट्यूड मिल रहा है, और एटीट्यूड भी बड़ा मेजर एटीट्यूड मिल रहा है। पहले तो घर के बड़े आराम से बात कर रहे थे, लेकिन फिर अम्मा जो है वो बोल पड़ी कि तुमने इतनी बदतमीजी करी थी तो हमारे घर में आई थी, बट आई लाइक इट दैट दे कॉल्ड हर, लेकिन वो मुंह से नहीं, वो जो बिल्कुल अगेन टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा प्रोमो वहां जाके उन्होंने छोड़ा है, ये साइन दिया हुआ आपने। ना सिर्फ वहां छोड़ा है बल्कि मैं, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि क्या होगा, मैंने जाके प्रोमो देखा, उसमें भी दे हैव नॉट रिवील्ड के होगा क्या, दे हैव तो नॉट रिवील्ड इट के क्या होता है. सो नाउ हाँ आई एम वेटिंग टू सी के वो क्या बोलेगी, वो हाँ बोलेगी जोबिया या ना बोलेगी. एंड साइम आ गया था, डिड यू सी साइम दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था, तो साइम साइम आ इज गया, ऑल्सो वॉचिंग एवरीथिंग विद हिज ओन आईज के क्या हो रहा है. हाँ साइम आ गया था और वो उन्होंने एंड में दिखा दिया, तो क्योंकि देखो बोल ही नहीं रही, कितना लंबा पॉज आया हुआ था एंड जान निकल, अच्छा बिकॉज यू सी नोबडी बिलीव्स, लेकिन ये मुझे बात नहीं समझ आई कि जब वो रुशना अपने आप से सोच रही थी कि मुझे दानियाल को बता देना चाहिए था कि वो भी इंटरेस्टेड है, क्या उनको दानियाल को नजर नहीं आ रहा था कि वो बारिश में भी साथ थे एंड यू नो शी लाइक्स हिम, टेरेस पे भी मिल रही थी जाके, व्हाई वुड ही थिंक दैट शी डजंट लाइक हिम। नहीं, दानियाल ने उसको बारिश में नहीं भीगते हुए देखा था, ठीक है, पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि दानियाल को उसने ये कहा कि वो बचपन के दोस्त हैं, सो इट्स जस्ट अ फ्रेंडशिप, देयर इज नथिंग एल्स, तो आप प्यार से समझाएंगे तो वो बैक ऑफ कर जाएगी, उसको समझ नहीं आ अच्छा रही, ओके ठीक उसने ये बोला है, है ठीक है, तो जिसकी बात पे ओके उसने ऑलमोस्ट यकीन कर लिया है. सो ये बात
सही समझ ही हाँ जा सकती है कि हाँ वो बचपन के दोस्त हैं जिसकी जिनकी दोस्ती को कोई और मतलब दिया जा रहा है, या साइम की अम्मा अनरीजनेबल हो रही है, बट अच्छा, उनका साइम जो की अम्मा डायलॉग था कि मैं ये नहीं समझ सकती थी कि इतना गुस्से वाला, इतना प्यार करने वाला वो सोच रही होती है दानियाल के बारे में, भाई मुझे उनका प्यार दिखा दे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे तो नजर नहीं आया। वो सिर्फ बोल रही थी अपने ख्यालों में, आई वुड लाइक टू सी दैट साइड बिकॉज आई वॉन्ट टू सी दैट रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ देम बिकॉज आई रियली लाइक हर, लेकिन मुझे नहीं नजर आया, वो सिर्फ अपने ख्यालों में ही बोल रही थी। कहिए आप क्या कहेंगी इसके ऊपर? क्या बोलूं भाई। रामी तुम्हारे दिमाग छलांग लगा देता है। मैंने छलांग लगाने को कहा है, मैंने सिर्फ कहा है पाकिस्तानी ड्रामों के दायरे में रह के आप दिखा दें कि आपका क्या मतलब है। जिस किस्म का ख्याल उन्होंने रखा है और जिन्होंने दिखाया, जो उन्होंने जो अज्यूम किया गया है, वो नहीं दिखा सकते ना पर्दे पे, ठीक है, पर्दे की स्क्रीन पे नहीं दिखा अच्छा सकते, चलो ठीक इवन है, तेरे बिन नहीं दिखा सका था ये सब कुछ, ठीक है। तो ये बेचारे कहाँ से दिखाते, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, ये हाँ सैड सैड रियलिटी कि औरत से कोई प्यार से दो जुमले भी बोल ले तो वो पिघल जाती है, स्पेशली अगर वो इंसान हो जिसपे उसका भी दिल आया हो। तो रुशना के साथ भी यही हुआ है, उन्होंने रुशना से दो प्यार के जुमले बोले, उतना सा बोला उन्होंने कि जब तुम पहली बार मुझे मिली तो तुमने ये कपड़े पहने हुए थे, ये रंग था, या कुछ ऐसी बात उन्होंने की, और रुशना तो फ्लैट। उसके बाद जो कुछ हुआ, फ्लैट। कमरा बंद, तो वो एडिट हाँ द मोहब्बत, द सो कॉल्ड ठीक है, मोहब्बत, यू नो, चलिए तो ये जी हम ये अब हम सोचते हैं कि उन्होंने प्यार, लेकिन दैट सीन व्हेन दे गो टू पिक हर अप, ओ माय गॉड आई वाज सो स्केर्ड। वो उसकी आई गाड़ी नो आ गई कॉलेज के बाहर एंड उसकी भी जान निकली ना उसी वक्त, और फिर उसी वक्त मैसेज कर देती मुझे फोन मत करना अभी, बट दैट वाज इसी वक्त इंटरेस्टिंग गाड़ी कि में बैठती साथ पीछे क्यों, ये जो एग्जीक्यूशन में चीजें हाँ दिखाते ना, आई डोंट अंडरस्टैंड भाई, बैठती साथ क्यों नहीं मैसेज हाँ दिया कि तुम मुझे जो है मैसेज नहीं करना, मैं जा रही हूँ, यू नो, फोन छुपा रही है। हाँ, ये बेवकूफी की चीजें थी, हाँ ऑल अच्छा, गर्ल्स और इतनी समझ पक्की होते हैं। पूरा कह के गई थी कि नहीं मैं नहीं मिलूंगी नहीं मिलूंगी नहीं मिलूंगी, एक फोन आया ये जा वो जा कॉलेज के बाहर, मतलब या तो इतनी उससे नहीं कहती ना कंफर्म कि मैं नहीं मिलूंगी नहीं मिलूंगी बिकॉज शी हैड डिसाइडेड शी वोंट मीट हिम, लेकिन हाँ फिर रुशना कॉट अप एंड रुशना ने कहा उससे, तो लेकिन जो मुझे होना था वो तो इतनी दैट मेक्स मी क्वेश्चन, क्या सोफिया वाकई इतनी स्ट्रांग नहीं है, और जब कहीं उस पर प्रेशर आता है तो वो क्या फिसल जाती है, वो क्या कर रही है? क्योंकि एक साइड मेरी ये थी कि यार तुम्हें समझ नहीं आ रही तुम दोनों को, जस्ट बी केयरफुल, डोंट टेक दीज पंगास, तुम लोग क्यों चाहते हो, पकड़ी गई तो बहुत बुरा होगा, यू नो, बिकॉज ये हाँ बेवकूफी की चीजें कर रही है। दूसरी तरफ मैं ये भी समझ रही थी कि यंग मोहब्बत है, नौजवानी का प्यार है, तो वो जज्बे मार रहा है और उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो ये बड़ी मिक्स फीलिंग्स है। बट बिल्कुल, जवानी फिर नहीं आनी, साइम ने जवानी है माँ दीवानी बाप को, एक्चुअली। साइम ने माँ बाप को हाँ कन्विंस कर लिया है, और साइम के माँ बाप चले गए, और यस साइम कितना वो था, बट साइम के दोस्तों ने, मुझे अच्छी बात ये लगी कि साइम के दोस्तों ने उसको समझाने की कोशिश की, एंड इनफैक्ट शुरू में मैं थोड़ा सा वो हो रही थी कि साइम की बात सुन ले, लेकिन इस वाली एपिसोड पे मुझे साइम, मैं साइम के फेवर में नहीं थी पूरी कॉन्वर्सेशन जब मैंने सुनी, तो आई वाज लाइक साइम इज बीइंग अनरीजनेबल एंड ही शुड नॉट डू दिस, ही एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि साइम काफी सही है, सॉर्टेड है, बट जो लास्ट एपिसोड मैंने देखी उससे मुझे लगा नो, ही इज नॉट दिस पर्सन जिसके लिए मैं समझू कि इसको अभी किसी रिलेशनशिप में होना चाहिए, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन वाइजली व्हेन ही कैन नॉट अंडरस्टैंड कि सब लोग समझा रहे हैं ये इस वक्त अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है, जूबिया भी मसले में पड़ जाएगी, वो यू नो, सो ही इज नॉट शोइंग मेच्योरिटी दैट आई वॉन्ट टू सी इन हिम, तो मैं काइंड ऑफ दूसरी साइड पे फ्लिप कर गई थी। तो साइम इज नॉट मेच्योर एंड यू आर राइट कि वो अभी छोटा है, लेकिन मैं उसकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, उसने कहा कि मैं यहाँ पढ़ने में करियर बनाने में लग जाऊंगा, वहां उसके मम्मी कर देंगे कहीं, फिर तो कुछ नहीं हो सकेगा, तो आई लाइक हिज पेरेंट्स कॉन्वर्सेशन, उन्होंने कहा आप सिर्फ एक बात पक्की कर दें अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं लेकिन है, एंड दैट्स व्हाट वी नीडेड टू पुश फॉर। नहीं, लेकिन इस वक्त हालात बहुत ज्यादा अनस्टेबल हैं, जज्बात बहुत ज्यादा यू नो पुरजोश हैं, तो इस चीज को कम से कम 6 महीने डिले करना चाहिए था, 6 महीने में तो जूबिया की मंगनी नहीं होती ना, और अगर होती तो दैट्स द टाइम व्हेन जूबिया शुड हैव टेकन अ स्टैंड, दैट्स द टाइम व्हेन दे शुड यस हैव सेंट द प्रपोजल, बट खैर हाँ स्टोरी आगे नहीं बढ़ती, सो लेट्स हाँ आगे क्या होता है, आगे कुछ होगा, जो जो हाँ सुना है कि दे विल रन अवे, दे विल बोथ रन अवे, जो मुझे पता चला है, हाँ आई डोंट नो, हाँ
हाँ यू हैड सेड दैट बिफोर ऑल्सो. आई जस्ट वॉन्टेड टू पॉइंट आउट दानानील्स परफॉर्मेंस वॉज रियली गुड. जब उसको पता चलता है, जब वो शूटिंग होती है फोन के ऊपर, फिर वो रुशना से मिलके रोती है, शी एक्चुअली वो बाहर भागती है. एंड वो मुझे उनके भी, आई थिंक उनका नाम भी बख्तू है, बख्तू कितने स्मार्ट और कितने अच्छे निकले. उन्होंने दानियाल को ये नहीं कहा कि वो भाग रही थी दूसरे घर, उन्होंने कहा वो गार्डन में जाना चाह रही थी. तो आई लाइक द वे ही चेंज द कॉन्वर्सेशन. लेकिन दानानील्स एक्टिंग वॉज वेरी नाइस एंड यू नो दैट घबरा विदाउट गोइंग हिस्टेरिकल और ओवरबोर्ड. यू कुड सी दैट सेंस ऑफ फियर एंड आई लाइक द एग्जीक्यूशन ऑल्सो की बहन ने फिर जल्दी से उनको फोन कर दिया, उनको बता दिया, कोई लंबा ड्रामेटिक, विच इज बाय द पेस ऑफ द ड्रामा इज मूविंग फॉरवर्ड फास्ट. एंड आई लाइक सो दैट रुशना वॉज कैरेक्टर ऑल्सो, कि वो आती है, वो जुबिया को भी संभाल लेती है, वो दानियाल को भी देख लेती है, वो चीजों को वो कर रही है, थोड़ा सा उसको और एक्टिव हो सकती है, थोड़ा सा और एक्शन बेहतर ले सकती है, बट आई लाइक रुशनास कैरेक्टर. Yeah, I'm loving Noreen Gulwani and all the characters she's doing actually. Really ठीक funny, yeah. है. Okay. हाँ जी, झूम यू ही जो करने पहले. हाँ यू ही कर लेते हैं जी. जी, ओके. तो आज राबिया ने रिव्यू लिखा और मैंने एक्चुअली सोचा, मैंने कहा हाँ, सारे के सारे मर्द जो है ना यू ही के खानदान में, उन सबको जो है ना एक मास्टर क्लास मिलनी चाहिए राबिया से. नहीं, बेसिकली एक मास्टर क्लास, मजाक कर रही हूँ, एक मास्टर क्लास मिलनी चाहिए कि भाई आप सबके सब, मतलब बिल्कुल ही कोई आगे, एक कदम आगे रखने को तैयार नहीं है, सबके नॉट जाले भरे हुए दिखाने. मतलब हर हर लेवल पे सच अ बिग डिसअपॉइंटमेंट. सबसे पहले दादा, आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, और कितने आपने एरोगेंस से आप बच्ची के साथ इस तरह बात कर रहे हैं, और आपने करवाई है शादी दाऊद के किम से. आपको पता है किम तो किसी की, दाऊद की क्या, किसी की भी नहीं सुनती है. दाऊद को सबसे फनी लगता है, दाऊद अपनी बीवी को समझा लो. आई एम लाइक, उसने किधर से दाऊद की बात सुननी है, अब क्यों बेचारे दाऊद को प्रॉब्लम में डालें. शी इज नॉट गोना लिसन टू दाऊद एट ऑल. वो किसकी बात सुनती है फिर. लेकिन भारत, वो जो यंगर जेनरेशन है, जो जवान बच्चे हैं, उनको समझ, क्योंकि दादा तो पूरी जिंदगी, अब उनको टू एक्सपेक्ट हिम टू चेंज इज गोइंग टू बी हार्ड. जबकि किम बहुत अच्छी तरह समझा रही थी. लेकिन दानियाल के कैरेक्टर से जो मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ, अगर कल उन्होंने इसकी शादी कर दी ना हुस्ना के साथ, नहीं, बिकॉज बिल्कुल हुस्ना भी नहीं. इतना अच्छा सुलझी हुई लड़की दिखाया है, ये यस जो उसने फाइनल बात करी ना कि इससे तो वो कुछ बोल नहीं सकेंगे, आप मेरी भी कर दें साथ साथ, वाज जस्ट हॉरिबल. उसके जहन में जो कैलकुलेशन उसने की ना, जिस वक्त उसको सुरैया का पता चला, हाँ और फिर वो फोन लेके गया, और फिर उन्होंने दिखाया कि वो सोच रहा है, वो तो ऐसा पॉइंट था लाइक सीरियसली, ये बंदा कितना सेल्फिश है. दानियाल के कैरेक्टर को उन्होंने मेरे लिए बिल्कुल रुइन कर दिया. एंड डेफिनेटली ही डज नॉट डिजर्व अ सेकंड चांस एट ऑल, क्योंकि उसने अपना सबक वहां नहीं सीखा है, वो बिल्कुल अभी भी नहीं सीधा हुआ है, वो अभी तक ही इज टेकिंग हुस्ना फॉर ग्रांटेड. अच्छा, लेकिन आप ये देखें, जो तुम ये बात कर रही हो कि यंगर जनरेशन, लेकिन घर का माहौल आपको अफेक्ट करता है ना शाजिया. सो घर के माहौल ने वो ट्रिकल डाउन हुआ है, वो मेंटेलिटी इन सबके अंदर ना, और सुरैया जो है वो रिबेल कर रही है. सो जिनको जो कुछ अपनी मर्जी से मिल रहा है, दे आर ओके. दानियाल की हाँ उसकी मंगनी हो जाएगी हुस्ना से, सो ही इज ओके. अब आप शादी करें ना दानियाल की उसकी मर्जी के अगेंस्ट, तो फिर वो बोलेगा. अब दाऊद थोड़ा सा ओबीडियंट है, तो ही इज अगेन ओके विद इट. बशारत साहब की तो आवाज ही नहीं निकलती है, बट बशारत साहब का जो कैरेक्टर का वो दिखाया, जब वो बेटी के बारे में सोचे, दैट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. मैंने कहा चलो एटलीस्ट उसे ख्याल तो आ रहा है. एंड आई फेल्ट बैड, आई वाज लाइक, आई विश यू वुड टेक अ स्टैंड फॉर योर डॉटर. कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो एक प्लेजेंट बिल्कुल, सरप्राइज था. बड़ा मुश्किल होता है जब इस तरह का मेट्रियाकल या पेट्रियाकल फैमिली होती है कि आप एक कदम. लेकिन मुझे दाऊद के कैरेक्टर में ना अब थोड़ा सा दे नीडेड टू पुश इट इन दिस एपिसोड, स्पेशली जब उसने सुना सुरैया को इन द रूम, क्योंकि उसके भागने से पहले दाऊद शुड हैव टेकन सम एक्शन, उसके भागने की वजह से नहीं लेना चाहिए था. जबकि किम उसको कितनी क्लियरली किम ने कहा था, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी राबिया, आई हैव हर्ड दिस बिटवीन हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, के बिकॉज वन इज मोर रिलीजियस एंड दी अदर, तो फिर दूसरा वाला चुप हो जाता है. क्योंकि उसने कहा नहीं, पहले मैं हो जाती, लेकिन अब मैंने रिसर्च करी है तो मैं आपको बता रही हूँ अब कि ये है. उसने भी खट से जवाब दिया कि शौहरों के भी बहुत
सारे हक होते हैं, हुकूक होते हैं, लेकिन फिर भी आई रियली लाइक दैट कॉन्वर्सेशन. इट वॉज वेरी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन. दोनों एक्चुअली किम की जितनी कॉन्वर्सेशन थी, आई थॉट दादा के साथ दुबेश ही एक्सप्लेन इतना अच्छा दिखाया. मुझे ये बात अच्छी लगी कि इन्होंने किम को इस वक्त बड़ा संभला हुआ ठहराव के साथ दिखाया, कोई बेवकूफी की बातें नहीं करते हुए दिखाया उसने. और उसने और एक्चुअली बातें कही, बदतमीजी. उसने जो बातें हाँ कही दैट चेंज माय पर्सपेक्टिव ऑन यस जो जो उनकी बहन जिसकी डेथ हुई और उसकी मंगनी टूटी थी उसके बाप से, वो पर्सपेक्टिव मेरा भी यस चेंज हो गया. कहते शी इज राइट, हाउ कैन आप अगर एक खास किस्म के मेंटल स्टेटस से बिलोंग करते हैं तो आप उस बंदे से कैसे एडजस्ट कर सकते हैं जिसकी आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं हो, आपको नहीं लगे वो आपके बहुत लोग साथ कर भी लेते हैं कर लेकिन लेते. नवीद नहीं बहुत करना मुश्किल, चाहते. हाँ हाँ बहुत मुश्किल होते हैं शाजिया, बाद में भी मसले होते हैं. ठीक है, देन या सेकंड, अब आ जाओ उसकी फिर दाऊद के साथ जो पहले कॉन्वर्सेशन हुई जहां उसने बोला तुम लोग रिलीजन नहीं, तुम लोग कल्चर, लोग और रिवायात के ऊपर करते हो. अगेन बिल्कुल. हाँ लाइक मुझे लगा यूं ही ने ना कल भिगो भिगो के सबको मारी है, सारी सोसाइटी को. और शी और यू ही हैज कम बैक विद अ फोर्स टेलिंग अस कि दिस इज द रियलिटी. मतलब इतनी बड़ी बात के, और जो दाऊद के कैरेक्टर के थ्रू ना, द इट इज आयरोनिकल ऑल्सो एंड इट्स सैड ऑल्सो, बिकॉज दाऊद कहता है सुन्नत है, एक जगह उसने ये बोला ये सुन्नत है, एक जगह उसने कुछ और बोला. ठीक है, हाँ माँ बाप की बात सुनना या कुछ उसने ऐसी बात बोली के पता नहीं क्या उसने बात बोली है, नहीं सेड इट्स सुन्नत. तो मैं यही वेट करी थी कि किम उसको बोले कि भाई तो बेटी या बहन की मर्जी जानना भी इस्लाम में उसका हक है, तो उसको तुम कैसे भूल गए. हमारे माशरे में मर्द क्या करते हैं, मर्द रिलीजन को वहां इस्तेमाल करते हैं जहां उनका फायदा होता है या जो बात उनके बड़े कह रहे होते हैं उनको समझा रहे होते हैं. तो बड़े एंड देयर तरबियत और माशरा टेक्स प्रेसिडेंस ओवर रिलीजन वेरी ऑफन, और हमें पता भी नहीं चलता वो कितनी ब्लर हो जाती है लाइन्स बीच में. तो उसने उसको वहां पे खटखटाया कि देखो, एंड वही हम सबको क्लियर कि रिलीजन के नाम पे कल्चरल चीजों को मत करें. देन जो वो बैठी रिसर्च कर रही होती है, जब वो पूछता है वो कॉन्वर्सेशन, जब वो उससे कहती है ना, तो जवाब में कहता है बेस्ट फ्रेंड. तो मैंने कहा भाई पहले तुम अपना हक तो अदा करो, फिर तुम ये बेस्ट फ्रेंड और इसकी बातें करना, पहले एज अ ब्रदर तो तुम अपनी चीजें करो. बट देखो उसने कितनी, मुझे लगा उन्होंने उस बात को थोड़ा सा डिफरेंट इसमें कर दिया, जब वो उससे कहती है ना कि तुम ऐसे हो सकते थे बट तुम नहीं हो, तो कहता है व्हाट डू यू मीन. तो वो कहती है कि तुम अपना अपनी मर्जी इन्फोर्स कर सकते थे बीवी पे बट तुम वैसे हस्बैंड नहीं हो. ये मुझे लगा था जहां दे कुड हैव यूज्ड और इट कुड हैव बीन वेयर इट कुड हैव बीन अ वेक अप कॉल फॉर दाऊद कि देखो तुम्हारे बाप और दादा कैसे सोचते हैं, लेकिन तुम डिफरेंट हो तो तुम यही डिफरेंस अब बिल्कुल प्रिया के साथ डील करते हुए भी दिखाओ. लेकिन दाऊद का होगा. जर्नी थोड़ा स्लो है, सो आई एम अ लिटिल हाँ डिसअपॉइंटेड. आई या विश के इससे बिल्कुल. थोड़ा सा बेहतर दिखाते. ये बहुत स्लो जर्नी चल रहा है. क्योंकि देखो ये तो बात सही है कि दिखाएंगे, लेकिन वो दिखाना इस टाइम पे जरूरी था क्योंकि हम नहीं देखना चाहते कि किसी लड़की को घर इस तरह छोड़ना पड़ रहा है. नो नोबडी नो. तो शुक्र आई एम ग्लैड कि उसने किम को नहीं बताया, किम ने नहीं छुपाया, वो तो तेरे बिन नंबर टू हो जाता वरना. तो दे केप दैट कहा था किम से, बट शी डिडंट टेल हर फ्रॉम व्हाट आई कुड सी, बताया नहीं था. तुम कह रही हो कि सुरैया ने उसको नहीं बताया, लेकिन उस वक्त किसका मैसेज आया है, वो किम रात को निकल के क्यों गई है बाहर, मैं ये सोच रही हूँ. हाँ मैंने भी ये सोचा, उन्होंने दिखाया नहीं अभी तक, सो आई डोंट नो. क्योंकि पहले वो बाहर गई और फिर दिखाते हैं कि वो दरवाजा बंद करती है, तो मुझे हाँ. सीक्वेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि क्या वो चली गई है उसके बाद फोन किया है. एंड देन शी सॉ दाऊद, मैंने कहा दाऊद को जाके जगाएगी, लेकिन उसने वो भी नहीं किया. सो आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड. सो तेरे बिन का रिपीटेशन तो हो रहा है कि उसको पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन शी हैजंट टोल्ड एनीवन. लेकिन सो उसने फिर भी पूरी कहानी उसको बता दी थी, और वैसे और सब कुछ पूरे घर वालों को भी बता दी थी और उसको भी बता दी थी दाऊद को, या सो शी ट्रू, डिड. दैट्स ट्रू. लेकिन वो उसको काफी ब्लेम कर रही है सुरैया, बिकॉज यू नो गर्ल्स लाइक सुरैया एंड बहुत सारे लोग हमारे माशरे में, उनको आदत होती है कि वो सीधे रास्ते नहीं गए क्योंकि सीधे रास्ते से घर वाले मानते नहीं है. तो अनफॉर्चुनेटली किम डजंट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो उसकी सुरैया को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि तुम तो बाहर ही रहो, तुम तो काम खराब करोगी मेरा, विच क्योंकि इज सैड. उसने उस चीज को जल्दी करा दिया ना, वो चीज अभी थोड़ी देर बाद हो सकती थी लेकिन वो अब तेजी से हो गई, जल्दी हो गई. सो इस वजह से वो सोच रही है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो दूसरी तरफ जो पप्पू है, एक तो इकबाल ने उसको बता दिया, दैट वाज सच अ बिग डिसअपॉइंटमेंट. आई आई वाज नो सच अ ओ सिली शी इज. सीरियसली यार, वो पता नहीं, अच्छा वो उन तक पहुंच गई है, वो भी उसको अपने मकसद के लिए यूज कर रहे हैं. सो द ड्रामा इंटरेस्टिंग है, हर कोई बड़ा सेल्फिश है, हर कोई अपने मकसद से कर लिया है और चला हुआ है, और कुछ पता नहीं है कि अब होगा क्या आगे.
अच्छा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उनकी पप्पो ने कहा कि वो किसी को पसंद करती है, लेकिन उन्होंने जो ना उठा के उसको बात को घुमा के जरा नेगेटिव तरीके से कहा उनके मियाँ ने, क्योंकि वो है नेगेटिव। वो बेचारी छुपाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बात छुपी नहीं। और ये भी थोड़ा सा नेचुरल होता है कि बहनें कभी कभी आपस में बता देती हैं कि किसी को मत बताइएगा, ये तो बड़ा होता है ना, दिस इज लाइक द रॉन्ग थिंग टू से, किसी को मत लेकिन बताइएगा। यार वो तो उसकी बहू बनने बिल्कुल वाली है, उसको क्यों बताओगी? दूसरी को बताती तो बिल्कुल समझ आती है, तो बिल्कुल शी विल जज हर, ऑफ कोर्स उसकी बहू बनने वाली है तो। और वो ही बात ना, वो बात उसका होने वाला ससुर, वो कहते हैं अफेयर चला रही थी, तो तो वो कहती है खुदा का हाँ खौफ करो, वो किसी को पसंद करती है। अब मैंने कहा हाँ आपकी बेटी हुस्ना दानियाल को पसंद करती है, ये उन दोनों की बातचीत थी, तो वो सब सही था। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स इन द ड्रामा, यू नो। या इट इज पता नहीं क्या शर्त रखेंगे, बड़े खौफनाक कैरेक्टर है वो। वो पैसे मांगेंगे ना, उनको पैसे चाहिए। ही हर्ड इट, जब वो जाने से पहले किम के फादर जो होते हैं, वो जाने से पहले पैसे देके जा रहे होते हैं ना, तो उन्होंने सुन लिया होता, उन्होंने देख लिया होता है कि ये पैसे देखेंगे। उसकी आंखें थी ना वो उस पैसे के पीछे, वो कहेगा वो सारे डॉलर्स, वो जितने लाख रुपए हैं वो मुझे दे दो। ट्रू, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच यू ही आजकल, और आप वेट कर रहे होते हो कि अब आगे क्या होगा, क्या होगा, किस साइड पे स्टोरी जाएगी। एंड आई लाइक कि किम का एक वो डिफरेंट साइड दिखाई है, जहाँ किम जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करी है, और शी इज टायर्ड नाउ, शी इज लाइक मेरी तो कोई बात नहीं सुन रहा है, एंड हाउ केन दीज पीपल नॉट अंडरस्टैंड, यू नो। राबिया, इज वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने एक घर में, ये जो कहानी चल रही है सिलसिला पूरा एक घर में चल रहा है, हाँ ज्यादा से ज्यादा अपनी बहन के घर चले जाते हैं, लेकिन उस घर में ही उन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हर कमरे में दो लोगों के, चार लोगों के दरमियान हो रही होती है, दैट दे केप्ट द इंटरेस्ट अलाइव उनको इतना ज्यादा। जहां हम कहते हैं कि इट्स गुड दैट ड्रामाज गो आउट एंड डायरेक्टर्स गो आउट, लेकिन यहाँ उस बात की जरूरत नहीं पड़ी हमें, एंड द ड्रामा इज स्टिल कीपिंग अस एंगेज्ड। तो ये मुझे बात बड़ी अच्छी लग रही है यूही के बारे में। ठीक है, वी मूव ऑन टू जून। वी मूव ऑन टू जून। जी हाँ जी, एपिसोड 1 एपिसोड 2 दोनों, अब तो मुझे सेकंड वाली अच्छी तरह याद है, सुबह को देखी थी। हाँ डन फिल्मी डन। फिल्मी बियॉन्ड फिल्मी, वो जब मिलते हैं दोनों रेस्टोरेंट में, तो आप क्या समझ रही थी क्या होगा फिर? वो उनका हाथ पकड़ेंगे, वो थोड़ी सी बातें होंगी, लेकिन वो तो मुड़ के चली गई वहां से। सो आई वाज थिंकिंग वो दोनों कहीं बैठेंगे, मिलेंगे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने ये चुपके से उनको सरप्राइज दिया एक दूसरे से मिलाने का, और मैंने कहा शेरी जो है वो देख लेगा, और फिर एक हंगामा हो जाएगा। तो मैं एक्चुअली स्ट्रेस में बैठी हुई थी, मैंने कहा भागो जल्दी करो, शेरी आ जाएगा, भाई क्यों लटके, वो यहाँ से निकल जाओ, जब इतना टाइम गुजार लिया आर्यन, देन कंट्रोल योर सेल्फ एंड डोंट डू दिस, प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज वॉट आई वॉज गोइंग थ्रू, यू नो। ओके आई वाज जस्ट लाइक नो दे आर नॉट गोना मीट, या हाँ योर राइट फेरी आ जाएगा, लेकिन वो काफी लंबा उन्होंने सीन्स को खींचा, जरूरत नहीं थी आई थिंक इतने खींचने की, लेकिन चलो खिंचकर। आई वाज एक्चुअली एंजॉयिंग हिज स्टोरी नाउ गोइंग फॉरवर्ड, उसके काम की कहानी, और मुझे बॉस के साथ भी, उसका महदिश के साथ भी इंटरेक्शन इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मुझे आई वॉन्ट टू सी द स्टोरी मूव ऑन ओवर। I do want to see the romance, but I want to see the romance, the हल्का फुल्का romance, you know, मुझे somehow इनका deep romance बिल्कुल इस stage पे नहीं समझ आ रहा है, मुझसे connect नहीं कर पा रहा। वो जो दोनों इतने करीब आए और इतने वो deep dialogues बोले, वो मेरे ऊपर असर नहीं किए। I would have more like कि वो रात को छुप के निकलते, एक दूसरे के साथ कहीं कुछ थोड़ा सा टाइम करते, फिर you know वापस चले जाते, या वो कहीं छुपके से उसे देख लेती, या कुछ ऐसी चीज होती, you know, वो गुजरते हुए उसकी उसके यू नो किसी बहाने से उसके हॉस्पिटल चला जाता, और समथिंग लाइक दैट। तो मैं उस किस्म की चीज को देख रही हूँ जो स्टोरी को बड़ा इंटरेस्टिंग बना सकती थी। ये जो बहुत, ये फिर बाद में आता, क्योंकि आई एम श्योर आगे भी ट्रेजेडी आएगी, तो मुझे ये ट्रेजेडी बाद में अगर दिखाते तो नजर आती, मजा आता। बट अदर देन दैट आई एम स्टिल एंजॉइंग द ड्रामा, बिकॉज इट्स मूविंग एट अ गुड पेस, एंड चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आर्यन को जॉब नहीं मिल रही, तो वो 10 एपिसोड तक जॉब नहीं मिल रही, उसको जॉब मिल गई है। द अदर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू अप्रिशिएट वॉज द डिटेल्स, लाइक उन्होंने प्रॉपर फैक्ट्री को अंदर से जो भी असेंबलिंग की वो जगह थी उसको दिखाया, इट मेड अ डिफरेंस टू मी, आई एंजॉयड इट। फिर वो गाड़ी पे जब खड़ा हुआ है वो सही कर रहा है, बात कर रहा है, सो यू नो ऑल ऑफ दिस एडेड टू द व्यूइंग एक्सपीरियंस, इट मेड इट मोर बिलीवेबल, मुझे ऐसा लगा। इवन द इंस्ट्रक्शंस दैट ही वाज गिविंग, जब वो जा रहा था वो समझ रहा था मैं जा रहा हूँ, तो उसने काफी डिटेल दी, व्हिच इज व्हाट वी डोंट गेट इन एहरामे जुनून, जब वो अपने डेस्क पे बैठे हुए फोन कॉल पे या फोन कॉल करते हैं सजीला को और शांसे को। तो यहाँ यू कुड सी कि ही इज एन इंजीनियर, ही नोज हिज जॉब, व्हिच इज व्हाई ही इज डूइंग वेल, ही लाइक्स इट। उसने ये भी कहा कि तुम इस तरह क्यों कर रहे हो काम, एंड उसका ये भी समझाया कि भाई वो
वर्कर्स के साथ इसी तरह काम करता है, सो एवरीथिंग टुगेदर वाज एडिंग। अच्छा मुझे ये भी अच्छा लगा कि उसने पहले सोच दिया कि इसको तो फारिग करो, और फिर जाके उनके मैनेजर ने समझा, ये नहीं कि बिला वजह दिल आ गया आपका किसी के ऊपर, तो देयर नहीं वाज अ लॉजिकल रीजन व्हाई शी हेल्ड हिम बैक, बिकॉज़ हर मैनेजर टोल्ड हर नो ही इज डूइंग अ गुड जॉब, सो लेट्स गो फॉर इट। लेकिन उसकी बॉस के साथ थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखा रहे हैं, विच इज गुड। कि पहले हाँ वो हैरान हुई कि ये कपड़े क्या पहन के खड़ा हुआ है, ठीक है, फिर उसके जो नीचे वाले जिनको सीनियर जो साहब हैं जिनको वो बहुत एडमायर करती है, ही सेड वेरी गुड थिंग्स अबाउट हर अबाउट हिम, एंड शी आल्सो सेड कि रिपोर्ट से शो किया है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है एंड एवरीथिंग। फिर जब वो बाहर हाँ निकलती है उसकी बाइक देखती है तो अगेन उसको शॉक लगता है कि बट ये बाइक तो यू नो सो, एंड वो हाफ पे सेंटेंस छोड़ देती है। सो ये स्मॉल स्मॉल डिटेल्स है, एकदम से वही तुम सही कह रही हो कि ऐसा नहीं हुआ कि दरवाजा खुला और बाल हवा में उड़े और वो मोहब्बत में मुब्तला हो गई। इट्स स्लोली शी इज बिकमिंग अ फैन ऑफ हिम एंड आई एम श्योर आगे जाके इसका कोई चक्कर होगा, ऐसे तो नहीं है ये। शी वो विल बाइक पे बैठ चुकी है प्रोमो में, वो बाइक पे बैठ चुकी है, ओहो शेरी देख चुकी है, सॉरी अब मैं प्रोमो आपके लिए खराब कर रही हूँ, लेकिन अब ओहो देखने सबने, और शेरी तस्वीर खींच के उनको दिखा चुके हैं अपनी बहन को मरियम को। ओहो अच्छा, ये तो आइडिया एपिसोड था। में शेरी ने नहीं देखा, लेकिन अगले एपिसोड में शेरी ने देख लिया। हाँ अच्छा, तो मुझे एक चीज और अच्छी लगी, लॉजिकल शुक्र है कि उन्होंने बोला उनको लड़की को कि भाई ये तुम ये सोचे कि कोई क्यों भिजवाएगा आपको 3 हफ्ते बाद, इफ somebody is sending you, तो उन्होंने तो लाइक राइवल है हमारे शायद जो जाते हैं कि हाँ इतना अच्छा बंदा बिल्कुल हमारे लिए काम नहीं करे, या फिर इसका कोई दुश्मन है, बट ये हायर करने वालों को भी सोचना चाहिए कि कोई somebody is trying to destroy his reputation ना, क्योंकि ये क्यों हाँ इतनी या बात एंड इन हिज डिफेंस उसने भी, चलो थोड़ा जो हम कह रहे थे, उसने कहते हैं कि भाई मैंने आपको अभी फ्रेश रिपोर्ट्स दी हैं अपनी, वो 6 साल पुरानी रिपोर्ट्स हैं, जो 5 साल या 6 साल पुरानी है, सो मेरा मेडिकल अभी क्लियर आ रहा है, तो क्या अब मुझे अगेन रूल्स नहीं पता कंपनी में क्या होते हैं, वेदर दे हैव टू डिस्क्लोज और नॉट, शादी के वक्त तो जरूर करना चाहिए डिस्क्लोज, लेकिन ये बात जरूर है कि उसने अपने डिफेंस में ये कह दिया कि ये या था, ट्रू दैट ट्रू। वाज गुड। अच्छा और दूसरी बात ये कि वो जो पूरा शेरी और डॉक्टर मरियम के दरमियान जो फेस ऑफ होता है पिछली एपिसोड में, वो भी अच्छा था। उसने उसको जरूरत थी शेरी को ये सब सुनने की जो उसने उसको डांटा, यू नो, हाँ या सो दैट वाज गुड। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आई लाइक इट कि सारी जो चीजें हो रही है ना लॉजिकल वो होनी चाहिए इस ड्रामे में। आपको अच्छा इवन द फ्लैशबैक वाज लॉजिकल इवन द अब वो बिकॉज़ सोच हो रहा है या ना, वो जो सोच, हाँ बट उससे मुझे डर बिल्कुल ये लग रहा है कि वो शेरी की तरफ बहुत ज्यादा नर्म हो जाएगी और वो शेरी की गलतियों को बिल्कुल ओवरलुक कर देगी। या क्योंकि बहनें ऐसे करती हैं विद देयर छोटे सिबलिंग्स, या भाई ऐसे करते हैं क्योंकि माँ बाप तो है नहीं, शी हैज ब्रॉट हिम अप, और उसको यही लगता है कि वो महरूम था, अम्मा से महरूम था, अब्बा से, तो सो वी अंडरस्टैंड इट विल बी इजियर फॉर अस टू एम्पथाइज विद मरियम जब वो ये करे, क्योंकि मरियम ने कहा है उसको एक्चुअली पसंद ही नहीं आ रिया, शी टोल्ड टीना दैट, तो इससे अब क्या करें, सो दिस इज गोना बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर हर। लेकिन उसको तब दुख होगा, तब पता चलेगा उसको बहुत ज्यादा, व्हेन शी विल फाइंड आउट कि शेरी कैसे उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था। क्योंकि गाड़ी की राइड में वो मुसलसल कहती है उसको कि शेरी दिल से मेरा अच्छा चाहता है, ही डजंट लाइक आर्यन बट ही केयर्स फॉर मी, दैट्स व्हाई ही इज, एंड आई एम लाइक, मुझे वो कॉन्वर्सेशन याद आ रही है दोस्तों आर्यन और शेरी के दरमियान के, उसके दोस्त बोल रहे हैं एंड शेरी इज लाइक नहीं मैं तो बदला लू, हाँ यू नो। वो कह रहे हैं कि वो वाकई सिंसियर है तुम्हारी बहन के लिए, तुम छोड़ या दो, तुम्हें शुक्र है समझ आ कुछ रहा कुछ वॉइस ऑफ रीजन वहां भी दिखाई है, सारे बिल्कुल ही घूमे हुए नहीं है, बट सो द ड्रामा इज है। इंटरेस्टिंग, अच्छा है। अभी लेट्स सी, ये दो एपिसोड मुझे थोड़ी सी स्लो लगी थी लेकिन फिर भी यही होता है, क्यूरोसिटी होती है कि आगे क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, शेरी का अगला मूव क्या होगा, बिकॉज शेरी साहब तो भी कहीं जाने वाले नहीं है इतनी जल्दी। नहीं, ही इज देयर एंड या लेट्स सी, अभी तो आगे कहानी बढ़ रही है ना, अब ये मुझे बहुत बेवकूफ लगेगा, तस्वीरें दिखाएंगी और मरियम जो है वो नाराज हो जाएंगी उनके साथ, जो नहीं होना चाहिए, बट समथिंग विल हैपन एनीवे, वी विल डिस्कस दैट व्हेन वी कम टू इट। यस ओके कुछ ठीक, अंक ही, कुछ एन कहिए जी, बताइए। बहुत सारी बातें हैं, सबसे पहले तो आई हैव टू से कि अगर उसामिया और सैफ का शुरू से हमें नहीं लेकर जाते तो हम इस मोड़ पे नहीं पहुंचते जिस मोड़ पे हम अभी पहुंचे हैं, जिसमें हम इतने इन्वेस्टेड हैं उनकी कहानी में, एंड वो है बात कि हम हैं। थोड़ा सा मुझे एडिट में कुछ चॉपी लगा था, मुझे समझ नहीं आया, आई डोंट नो, आई रिवर्स्ड इट, जब सामिया कमरे में आती है सैफ के साथ, उससे पहले वाले सीन में जो गाड़ी में होती है, डिड यू फील दैट देयर वाज समथिंग, द कट्स, द एडिट फ्रॉम देयर टू देयर, समथिंग वेंट रॉन्ग? थोड़ा सा हो भी सकता है, मुझे जो समझ आई वो ये
क्योंकि वो कहती है कि वो बहुत बिजी है तो मुझे लेने नहीं आ सकते, ठीक है, लेकिन जब हाँ वो घर पहुंचती है तो ही इज ऑन फोन विद समबडी. एग्जैक्टली सो आई या टू मी इट सीम लाइक दिस रियली यू नो. एंड उसको पता तो है शगुफ्ता का, इससे पहले वो जो भी करता था वो उसको लेने आ जाता था, या अगर नहीं होता था तो वो वाकई उस जगह नहीं था, यू नो, कि वो घर पे नहीं होगा. बट वो घर पे आई तो वो कमरे में बंद, वो फोन पे है. तो मुझे ये लगा कि उसको एक, और फिर बहनों ने भी बीच में गाड़ी में मजाक उड़ाया था ना उसका, तो उससे भी वो थोड़ा सा फ्रेश थी उन सब चीजों से दिमाग में, और उसको ये भी हाँ बॉदर करी थी कि वो उससे लेने नहीं आया. थर्ड वो फोन पे, तो उसको वो शी ब्लू अप, यू नो, शी सेड कि फोन दे. तो हाँ ये मुझे इस तरह समझ आ रही है. मुझे एकदम से अब्रप्ट लगा, लाइक हाउ डिड शी गेस एकदम से ही टॉकिंग शगुफ्ता. ये तो समझ आ गया कि चलो वो ऑफिस में नहीं था, उसने क्यों ये कहा था, बट चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम शगुफ्ता रियली आई. Who else will he speak to? She knows that. Who else will he speak to? I feel that again इतने layered characters हैं कि बड़े questions हैं मेरे ज़हन में शाज़िया, कि सामिया ने अपनी बहनों को बोला मैं खुश हूँ, तुम लोगों को मैं खुश नहीं लगती, and that made me think she is happy, but is she in denial? वो नहीं होता कि वो क्या कहते हैं कि वो अपने परों में सर छुपा के बैठ जाता है, पता नहीं वो कौन से कबूतर जो आंखें बंद करके बैठ जाता है, लेकिन उससे खतरा तो नहीं जाता. तो टू मी अब्बा सीम्स लाइक दिस इज व्हाट शी इज डूइंग, कि मैं काम कर रही हूँ. ने पकड़ लिया हाँ, था, अब्बा ने पकड़ लिया उसके. नहीं, बट मुझे लगता है वो जेन्युइनली खुश है, इन द सेंस कि वो प्रिटेंड नहीं कर रही है, बट उसने आंखें बंद की हुई है. शी रिफ्यूजेस टू सी, शी बिलीव दैट जो उसकी सैफ की कॉन्वर्सेशन के साथ भी जाहिर है, वो कहती है कि आपको लग नहीं रहा सांस लेने में आसानी, आपको नजर नहीं आ रहा. शी वॉज एक्चुअली होपिंग दैट ऑल ऑफ दिस विल ब्रिंग हिम बैक, एंड यस वही जो एक टिपिकल या एक्सपेक्टेशन होती है. और दूसरी बात ये कि सैफ ने उसको अभी तक ऐसा कोई चांस दिया नहीं था ना. रिसेंटली ही इज बीन नाइस टू हर, वो उसके माँ बाप के घर भी, तो वो एक्चुअली पुरुमीद हो गई थी. तो इस वजह से यू नो वो वाकई खुश थी, बट यस वो खतरे को अंडर एस्टिमेट कर बैठी है. क्योंकि पिछले एपिसोड में सैफ ने उससे कहा था कि पैसे तुम अपने लिए बचा के रखो, इस घर पे मत खर्च करो. लेकिन सामिया, मुझे तुम कह रही हो, थोड़ा सा डिनाइल में थी, उसको नहीं समझ आ रहा था. शी डिडंट इवन बॉदर टू आस्क. शी सेड मैं उन बीवियों की तरह नहीं हूँ जो बिलावजह सवाल करते हैं. उसने ये भी कहा ना, तो शी डिडंट वॉन्ट टू नो मोर देन शी नो. और उसने ये भी बोला अपनी माँ को कि उनका, अपने माँ बाप को, कि उनका बिहेवियर चेंज हो गया, और अम्मा आप सही कहती थी कि मैं संभाल लूंगी, मैंने संभाली, और आलिया और तानिया भी संभाल लेंगी. मुझे नहीं लगता कि वो प्रिटेंड कर रही थी. एंड बाद में आगा जान, और बाद में आगा जान ने नहीं बोला, लेकिन ये आगा जान ने बोला मुझे याद नहीं है. एंड आलिया भी फुप्पो को बोलती है ना कि मुझे कुछ लगता है, मुझे लगा कि दैट वाज इट, मुझे कोई सामिया की उससे यू नो बिहेवियर से ऐसा साइन नहीं नजर आया था जिससे ये सब परेशान होते. मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि सामिया की जो जर्नी थी ना, जिसमें वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो गई, उसने घर को भी अच्छा कर दिया, वो और भी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है. सास के साथ भी रवैया अच्छा हो गया, सास ने भी तमीज से बात करना शुरू कर दी. लेकिन इसकी ये कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी ही हो जाएगी. जहां हम कहते हैं कि औरतों को खुद मुख्तार होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं होना चाहिए कि यू विल डेफिनेटली हैव अ बेटर मैरिड लाइफ, लेकिन इसलिए ताकि यू हैव अ चॉइस, एंड दैट इज वेयर दिस ऑल ऑफ दिस विल कम इन हैंडी राइट नाउ. एंड शी फील्स गुड अबाउट हर सेल्फ, लाइक यू आर सेइंग, शी सेज आपको यू कैन ब्रीथ बेटर इन दिस हाउस, आपको नजर नहीं आ रहा. तो एटलीस्ट इफ शी डज डिसाइड टू लीव, हर सेल्फ स्टीम विल बी इंटैक्ट. और बहुत दफा राबिया औरतें छोटी नहीं है यही सोच के ना कि हम क्या करेंगे, हम तो डिपेंडेंट हैं, हमें माँ बाप के घर जाना होगा. तो होपफुली शी नॉट हैव दैट प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट टू इसमें दो डिस्टिंग्विश. चीजें आई वॉन्ट टू से. नंबर वन, एक तो सामिया के कैरेक्टर का ये बड़ा दिखाया कि जब वो माँ बाप के घर थी तब भी वो ज्वेलरी बनाती थी, लेकिन उसने उसको कभी फाइनेंशियल गेन में नहीं कन्वर्ट किया था. लेकिन जब उसके ऊपर सर पे पड़ी तो उसने अपने इस टैलेंट को, अपने इस हुनर को यूज किया. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लड़कियों को कुछ ना कुछ आना चाहिए, चाहे वो जॉब करें या ना करें, लेकिन जब कोई मसला हो तो दे हैव अ स्किल दे कैन यूटिलाइज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जो सामिया के जर्नी के थ्रू उन्होंने दिखाया. एक चीज ये. दूसरी चीज ये कि सामिया को जो दुख था, अच्छा सैफ से बात करूंगी. सैफ का कैरेक्टर अब तुम ले लो शाजिया, इतना इंटरेस्टिंग है कि सैफ का कैरेक्टर कोई एक शैलो सा कैरेक्टर नहीं है या सतही सा, वो एक सरफेस से उन्होंने नहीं इशू दिखाया.
कि बस वो ही इज हैविंग एन अफेयर. इट इज सो डीप एंड आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू मोहम्मद अहमद साहब कि उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को कितना इसमें इंटरवीव किया हुआ है कि वो अपनी माँ से भी कहता है कि आपने मुझे गुलाम बनाया, यू नेवर लव मी, यू हैव मेड श्योर दैट आई जस्ट लिसन टू यू, सो नाउ आई एम नॉट यूज टू बींग एम्पावर्ड, मुझे इज्जत की आदत ही नहीं रही है, मुझे गुलामी ही करनी है. और वो सामिया को भी यही कहता है जब सामिया उसे कहती है, और वो लाइन इतनी स्ट्रांग थी शाजिया, जब वो कहता है नॉर्मल मेरे लिए बोरिंग हो जाता है, मुझे लगा दैट वॉज बिलो द बेल्ट फॉर सामिया. आई फेल्ट कि सामिया की ना उस वक्त और सब चीजें वो बर्दाश्त करी थी, वो लाइन जो लाके सामिया को लगी है ना, इट रियली हर्ट हर. आई आई फेल्ट दैट, यू नो. एंड बट इट ऑल्सो शोड कि सैफ कितना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है. वो लाइक ही इज दिस पर्सन हु कैन सी कि सामिया के साथ गलत हो रहा है, एंड ही मे बी ही डजंट रियली वॉन्ट टू बी बैड टू हर, बट ही कांट कंट्रोल इट, ही कांट हेल्प इट. वो मजबूर है अपनी अपनी जात से, अपनी आदतों से, कि वो नहीं कर सकता, यू नो. हमारी लाइफ चॉइसेस डिटरमिन होती हैं डिपेंडिंग ऑन हु वी आर, एंड वेरी ऑफन फॉर मेन डिपेंडिंग ऑन हु देयर मदर्स आर, एंड फॉर वेमेन हु डिपेंडिंग ऑन हु देयर फादर्स आर, वो कहते हैं. और वो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं. वो एक जुमला है ना जो हमने बहुत सुना हुआ है कि ये अपनी अम्मा की बात सुनता है तो फिर ये अपनी बीवी की बात भी सुनेगा, फिकर नहीं करो. लेकिन वो एक्चुअली बैकफायर कर जाती है अम्मा जब वो इस सेफ की अम्मा की तरह होती है, विच इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ. एंड यू आर राइट, ही कांट हेल्प. यहाँ मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन जरूर करती हूँ कि जब सेफ में इतनी ज्यादा अवेयरनेस है कि वो ये बात अपने बारे में जान चुका है और उसको अब नजर आ गया है कि खुली फिजा में एक रिलेशनशिप में रहने का क्या मतलब होता है, क्या वो कोशिश नहीं कर सकता? लेकिन फिर मुझे ये भी लगता है, एक तो उसने उस लड़की को अपना वर्ड दिया हुआ है, और दूसरा ये कि उसको आदत हो गई है उसकी, एंड शी ही इज इन लव, ही इज इन लव विद शगुफ्ता, ही इज नॉट इन लव विद सामिया. तो इसलिए इट्स हार्ड फॉर हिम टू ब्रेक फ्री, एंड वाई शुड ही. ऑल्सो तुम ये बात भी तो देखो ना, शगुफ्ता भी तो पैसे लेकर आएगी, शगुफ्ता भी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगी, शगुफ्ता की उसको आदत है, शगुफ्ता से उसको मोहब्बत है. और सो मे बी शगुफ्ता का पलड़ा भारी भारी है, या तो हम सामिया को देख रहे हैं ना, हम सामिया की साइड से. बिल्कुल बट अगर वो, हाँ ये बात बहुत मुझे जाके लगी जो उसने कहा कि नॉर्मल इज बोरिंग, समटाइम्स हम लोग अपने टॉक्सिक बिहेवियर से, अपनी सेल्फिशनेस से किसी इंसान को इतना टॉक्सिक बना देते हैं कि उसको नॉर्मल चीजें नहीं सही लगती. ही वॉन्ट्स टू बी टॉक्सिक, ही वॉन्ट्स टू बी इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ही वॉन्ट्स टू बी इन अ, वांट्स टू बी ट्रीटेड लाइक दैट. ही वॉन्ट्स टू बी ट्रीटेड लाइक दैट. और शुरू में उन दोनों का बड़ा अच्छा दिखाया था, ही वॉज रियली अंडर हर स्पेल, एंड वो उसको जिस तरीके से देखता था, शगुफ्ता को, शुरू के एपिसोड्स को देखो. फिर बीच में जब जब वो शेरवानी उसकी लेकर आ जाती है, वो आ जाती है, तो थोड़ी सी हमें घुटन हो रही थी, बट ही फॉलो हर इंस्ट्रक्शंस टू द पॉइंट. वो शादी पे वही पहन के गया जो शगुफ्ता ने बोला था, यू नो. सो यस, उसके अंदर स्पाइन नहीं है, ही डजंट हैव दिस मच एनर्जी इन हिम और हिम्मत इन हिम टू डू एनीथिंग. थोड़ा सा वो बीच में डिस्ट्रैक्ट हुआ सामिया से, जब उसके घर जाता है वो करता है, मे बी आउट ऑफ सिंपथी, या मे बी थोड़ी डिस्ट्रैक्शन थी. बट नाउ ही इज रियली, जहां पे शगुफ्ता वापस जोर से आई है, तो ही स्टक, यू नो. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स विच लाइक मेक यू थिंक अबाउट सो मेनी एंगल्स, एंड यू कांट outrightly say कि who's right, who's wrong, you know. और अच्छा, हमें उस लेवल का गुस्सा भी नहीं आ रहा सेफ पे जिस लेवल पे हमें आना चाहिए, कि तुम पहले नहीं कह सकते थे ये सब कुछ. हमें नजर आ रहा है कि इसने कोशिश करी, ये बीच में भी थोड़ा सा जो है ना डगमगा रहा था कि क्या करे, हमें भी नहीं समझ आ रहा था इधर जाएगा उधर जाएगा. सो इट्स क्योंकि इंटरेस्टिंग. क्योंकि शाजी इज नॉट अ प्लेन केस ऑफ somebody बीइंग, यू नो, अनफेथफुल. उसमें बिल्कुल डीपर मोटिव्स और डीपर साइकोलॉजी दिखाई है ना, विच इज मेकिंग यू थिंक कि हाँ यार, ये इस बंदे का एक रीजन है. सो अगेन, पावर ऑफ डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट, कि दे आर एक्चुअली मेकिंग यू थिंक अबाउट अ नेगेटिव कैरेक्टर, कि वेदर ही इज नेगेटिव और नॉट, यू नो. इज नेगेटिव. अच्छा, और देखो अब वो जो सास के पास जाके वो जो रात गुजारती है, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज शी सीम्स टू डिसाइड कि अभी मुझे सोचना है इसके बारे में. उसने खुद से भी डिसीजन ये नहीं कहा कि मैं वापस जा रही हूँ, शी इज गोइंग टू थिंक, विच वॉज अ ग्रेट मैसेज. लेकिन सास कितनी डेस्परेट हो गई, पूरा घर तुम्हारा है, सब चीज, सिर्फ मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ. तो ऑल दीज थिंग्स विल नॉट मेक हर हैप्पी, एंड शी डजंट वॉन्ट टू लिव लाइक दिस, कि वो, सो दैट्स हर सेल्फ एस्टीम टॉकिंग, सामिया सेल्फ एस्टीम. उसके लिव रहने की तो बात ही नहीं है, अब ये बात है कि वो छोड़ेगा या वो छोड़ेगी, वो खुद डिसीजन लेगी हाँ या चल, वो छोड़ देगा. या तो कहा ओके, तो है थैंक उसने यू बोले. सलमान एंड हाँ आलिया हाँ एंड असफर. या अच्छा जी. सो आई लव्ड इट जिस तरह. सो अगेन
द नैरेटिव हैज रिमेन ट्रू टू द कैरेक्टर. आलिया जैसी है वो वैसी ही है. आलिया जो है वो अपनी दिल से जो है ना, कोई फूल पत्तियां नहीं झाड़ेंगी उनके मुंह से. वो ये नहीं कहेंगी कि आई एम मैडली इन लव विद यू, वो यही कहेंगे तुम यही बात इस तरह कह सकते थे तो शायद मुझे थोड़ा मजा आता. तो दैट वॉज रियली स्वीट. आई लव द वे दे प्लेड विद द डायलॉग्स एंड द इंटरेक्शन दोनों के. लेकिन सलमान की शक्ल पे जो मुस्कुराहट आई है ना, वो तो सीना तान के खड़े हो गए थे, फिर टार्जन बन गए थे नीचे. मैं तो बड़ी खुश हूँ भाई कि मैंने जो एनालिसिस किया था वो सही है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, क्योंकि मैंने कहा था कि आलिया इज नॉट कंफ्यूज, आलिया इज जस्ट एंग्री एट सलमान कि भाई तुम मेरे मसले क्यों नहीं समझ रहे, तुम्हें खुद पता होना चाहिए मेरे सर पे बहुत कुछ है. एंड यू नो आई डोंट हैव टू से दिस टू यू, व्हाई डू यू वांट मी टू वर्बलाइज, हैव सो मच गोइंग ऑन. बिकॉज जब वो बोलती है एंड में उसको तंग आके, और जिस वक्त तानिया उनको आके इंटरप्ट करती है, जब वो कह रही होती है तानिया का ये मसला है, सामिया का ये मसला है, और तुम्हें ये पड़ी हुई, और बीच में तानिया आ जाती है, शी वॉज गोइंग टू से ऑल ऑफ दिस टू हिम यू नो. एंड जस्ट बिकॉज सो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी असवर में इंटरेस्टेड थी. मैं तो इस बात पे खुश हूँ, फॉर मी शी इज वेरी क्लियर किस में वो इंटरेस्टेड हो है. ये और बात है कि अभी तक आलिया और सलमान में मेजर कम्युनिकेशन मसले हैं, जो आलिया जो है ना बेड के टाइम नहीं दे रही है, और सलमान में वो सब्र नहीं है बिकॉज वो डरा हुआ है, वो परेशान है. एंड आई फील कि वो कहीं भी वो आलिया पे शक नहीं कर रहा है, ही इज वेरी क्लियर कि असफर उससे बेहतर ऑप्शन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, एंड आलिया कैन चूज टू. और आलिया उसको एक दो दफा इस तरह की चीजें दे भी चुकी है, तो वो डरा हुआ है, वो घबराया हुआ है, और ये उसकी डेस्परेशन में थोड़ा सा आ जाता है. अच्छा, जिस वक्त उसने बोला ना कि वो अगला अगला पार्ट क्या होगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, तो मैं समझी शायद सलमान खुद उसको कह रहा है, तो मैं कह रही नो 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 डोंट डू दैट, डोंट आस्क हर टू मैरी यू, बिकॉज दैट्स इज बाय बीइंग रियली डेस्परेट के यू नो शादी कर लो, कि तुम कहीं भाग ना जाओ. बट शुक्र है फिर वो कहता है वो तुमसे ये बोलेगा, असफर तुमसे ये बोलेगा. मुझे इंटरेस्टिंग लगा दोनों की कॉन्वर्सेशन. आई ऑल्सो फेल्ट कि आलिया भी थोड़ा सा रिलैक्स करके वो आई, वो उससे थोड़ी सी बात करी थी, उसको करने की कोशिश कर रही थी, अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देने की उसने कोशिश की, लेकिन वहां पे वो इंटरप्ट हो गए. फिर ऑफकोर्स नीचे वाला जो तो वो फर्स्टली सलमान वाज नेवर इनसिक्योर, एंड सेकेंडली आलिया का जो रिस्पांस था वो ज्यादा इसलिए भी आया क्योंकि उसकी सोफी पप्पू से पहले बात हुई थी. एंड था. सोफी पप्पू चाहे वो कहे या ना कहे, जब वो उससे प्यार से आराम से प्रैक्टिकली बात करती है, कहीं ना कहीं जाके दिमाग में बात ठहर जाती है. तो इसलिए शी सेड के हाँ. एंड देन बट शी सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. शी सेड कि अगर वो उतना मासूम, जो तुम भी बात कह रही थी कि वो इस तरह ना करता, इस तरह कर लेता, और वो कहती है कि हाँ असफर इज अ नाइस गाय, वो है ही इतना अच्छा. तो मुझे नॉट दैट शी लाइक्स असफर, बट आई वुड नाउ लाइक टू क्वेश्चन कि अगर असफर अब जो बात कहने वाला है असफर आलिया से कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, अगर असफर पहले कह देता ये, अगर आलिया सुन चुकी होती, क्या आलिया सलमान को हाँ करती? बिल्कुल. आलिया आई देर वॉज नेवर अ क्वेश्चन, आलिया वॉज आउट ऑफ सिंपथी डूइंग थिंग्स फॉर अस, फॉर तो कभी भी उसमें नहीं थी, ठीक है. और भाई जो चीजें आपने दिखाई हैं, जो आपने सीन्स दिखाई आउट ऑफ सिंपथी करना और किसी को अच्छा लगना तो दो अलग अलग बातें हैं ना. उसने कहा कि एग्जैक्टली, असल है ही इतना अच्छा, इतना अच्छा क्यों तो वो हो तो गया? हमें से कोई भी किसी बात के बारे में कह सकता है ना, दैट डजंट मीन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन बीइंग. नो, इट्स नॉट अबाउट इंटरेस्ट, इट्स अबाउट शी. देखो जब सलमान नीचे आया, अब हम नीचे पे आ जाते हैं, और सलमान ने कहा मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा, आलिया ने कहा वो बड़े टाजन बन रहे हो तुम. तो आलिया लाइक्ड इट दैट सलमान हैड टेकन चार्ज. सो माय क्वेश्चन इज दैट आलिया विल ऑलवेज लाइक अ मैन इन हर लाइफ हु विल टेक चार्ज, हु विल नॉट बी दैट मासूम एक्स वाई जेड दैट सलमान हैड बिकम इन द पास्ट कपल ऑफ एपिसोड्स, राइट? मैं दो चीजों पे हूँ. यस मे बी आई ऑल्सो फील कि आलिया का जो कैरेक्टर है, अगर तुम आलिया के सामने, अच्छा थोड़ी लंबी बात है, बट आलिया का जो कैरेक्टर, मुझे नहीं लगता कि जरूरी है कि उसको ऐसा ही बंदा चाहिए हो जो इनचार्ज हो चीजों का. यस शी फॉर श्योर शी डजेंट वॉन्ट अ पर्सन हु इज अ क्राई बेबी, देयर इज अ डिफरेंस. और उसको इरिटेशन जो है ना वो सलमान के ये रोंदू बिहेवियर पे हो रही थी. शी डजेंट वॉन्ट अ रोंदू इन हर लाइफ एंड नोबडी वॉन्ट्स अ रोंदू इन देयर लाइफ, ठीक है, दैट्स दैट्स फॉर श्योर. अब वो सलमान का कैरेक्टर उन्होंने क्यूट सा ऐसा दिखाया है कि वो बेचारा परेशान है, बोल रहा है कि नहीं करो यार ऐसे बात कर रहा हूँ. और आलिया, आलिया से भी मेरे हिसाब से आलिया को उससे बात कर लेनी चाहिए थी, जो हमने पहले भी बोला है. तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन दोनों की साइड से, एंड हाँ आपने शायद बिल्कुल थोड़ी सी ऐसी दिखाई है कि उसको समझाना पड़ता है, जैसे तुम कह रही हो कि सोफिया पोप्पो ने उसको समझाया,
उसको पहले भी अब्बा ने उसको समझाया तो वो थोड़ा सा गई। वो कह देखो वो एक वो लड़की है जो कह रही है मैं बहुत क्लियर हूँ अपने माइंड में, मेरी ना तो असफर से कोई चक्कर है ना मेरी असफर की तरफ कोई बुरी नीयत है, मैं काम करने जा रही हूँ, मेरे सर पे 10,000 मसले हैं, सो डोंट डाउट मी, डोंट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मी, बी देयर एंड फेसिलिटेट थिंग्स एंड बी सपोर्टिव। सलमान ऑन द Do you think अदर, Alia thinks like a man? सॉरी Do you think Alia thinks like a man? नहीं इसमें इस नहीं ओके लेट्स नॉट यूज दिस टर्मिनोलॉजी दैट शी थिंक्स लाइक अ मैन और अ मैन Do थिंक्स you लाइक think कुछ अंकल ही is reversing gender roles between और Salman and Alia here? Where Salman is the one who is waiting for her and being the more communicative one and being a devil's advocate here, and Alia is the one who is actually जो थोड़ी सी खर दिमाग और जो अपने आप को she doesn't feel the need to explain herself all the time. नहीं मुझे इसमें कोई मर्द वाली बात या जेंडर रोल्स नहीं रिवर्स लगते। आलिया हैज बीन अ गर्ल इज अ गर्ल जो बहुत अरसे से बाहर काम करती रही है, शी इज बीन अ स्टेट एजेंट, वो हर किस्म के लोगों से मिलती रहती है, तभी उसकी तो उसकी पर्सनालिटी है, हाँ नो दैट डजंट मीन दैट शी देखो there are very few girls who've been state agents and who've been working out. जबी तो कुछ अंकल ही is trying to tell us this कि ऐसी भी होती No, I don't think so. I'm not in state agent, but I think I also think like Alia sometimes, and I am also used to dealing with all बिकॉज़ sort of person. So, मेरा नहीं ख्याल कि ये मैं यू आर वर्किंग नहीं, आई या थिंक इंडिपेंड, अगर घर में स्ट्रेंथ दी जाए लड़कियों को, घर में कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो वहां से भी वो निकलती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती हैं। बट आलिया एक खास किस्म की लड़की है, हमें एक डिफरेंट टाइप की लड़की दिखाई है जो बहुत इंडिपेंडेंट है अपनी थिंकिंग में, और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर चलाने की, इसमें मर्द जैसा थिंकिंग की बात नहीं है, एक ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कोई भी No, इंसान। by mard, I don't mean things like a man. Let me reword it. Ke Alia, we are conditioned to seeing men behave in a certain way and women behaving in a certain way. और कुछ अंकल ही हमें दिखा रहे हैं कि औरतें भी इस तरह बिहेव कर सकती हैं और आदमी भी सलमान भी पूरी जिंदगी अपनी अम्मा के साथ गुजार रही है आदमी भी और हमें उनको जज नहीं करना चाहिए. सलमान को हमें जज नहीं करना चाहिए अगर वो बार बार कम्युनिकेट कर रहा है. आलिया को नहीं करना चाहिए अगर आलिया नहीं डजंट सीम फील द नीड टू डू इट क्योंकि हम औरतों और आदमियों को वैसे तो जज नहीं करते. हम कहते हैं हाँ आदमी तो होते ही ऐसे हैं औरतें तो करेंगी कम्युनिकेट तो वो नहीं करेगा बेटा तुम बात कर लिया करो. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सलमान मे बी यू आर राइट, मैं इस चीज को ऐसे नहीं देख की अम्मी बार बार उससे कहती है तू जाके बात करो ना उससे करो ना जाके. सलमान मदर इज ऑलवेज ट्राइंग टू इनकरेज हिम कि यू गो एंड टॉक टू आलिया जो नॉर्मली लड़कियों की अम्माएं जाके कहती हैं बेटा तुम जाके बात कर लो. सो आई मुझे नहीं पता इफ दिस इज व्हाट दे वांट बिकॉज़ देयर सो मेनी लेयर्स लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है दिस डायनामिक दैट दे हैव इन देयर मी रिलेशनशिप. फॉर मी इट्स अ सिंपल चीज जिसमें मैं समझती हूँ कि आलिया एक वो लड़की दिखाई है जिसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसने बहुत अरसे से वो ये काम कर रही है, उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट हो गई है, और उसको सलमान में शायद पसंद भी है, और उसके ऊपर अगेन वही बात ना, यहाँ पे एक मर्द होता वो भी ऐसे करते, यहाँ पे एक औरत है वो भी ऐसी करी है, जिसके सामने जिंदगी के बहुत मसले मसाइल हैं, वो कहते हैं ना दूसरे और भी गम है मोहब्बत के सिवा, तो वो भी ये कह रही है कि भाई मुझे मेरा घर बिकने वाला है, मेरे ताया बाहर से शायद आ जाए, मेरी बहन तो जो लड़कियां बहुत कम करती हैं ऐसे काम जो आलिया कर रही है और जो करती है वो ऐसी ही हो जाती हैं बहुत दफा. सो वी शुड अंडरस्टैंड. सो मैं इस बहस में नहीं पड़ी कि लड़कियां और लड़के, मैं सिर्फ एक एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मुझे इस तरह नजर आता है, एंड सलमान जो है वो एक इंसान है जो इस जो अब जो स्टेटस में असफर से कम है, उसको ये चीजें नजर आ रही है, एंड ही इज वरीड अबाउट लूजिंग आलिया टू दिस गाय हु माइट बी बेटर देन हर देन हिम विच इज नेचुरल ऑल्सो, वो कोई और होता तो उसकी भी आ जाती, एंड तो इस तरह उसको इम्परफेक्ट दिखाया, दोनों के अंदर मिसकम्युनिकेशन एंड मिस अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती तो बड़ा अच्छा हो जाता। सो आई आई लाइक दैट कि वो आलिया का एक जर्नी, मेरे हिसाब से तो जर्नी नहीं है, आई थिंक शी वॉज क्लियर फ्रॉम द डे वन, उससे कुछ गलतियां हो गई हैं, एंड अगेन मैं यही जो बात मुझे हाईलाइट होती है सारे उसमें कि जब कभी आप जो मैंने पहले भी बोली थी, और शायद मेकर्स की ये इंटेंशन नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट टू मी इट हैज बीन कम्युनिकेटेड लाइक दिस कि कभी कभी आप बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आपको गाइडेंस की फिर भी जरूरत होती है, स्पेशली बीइंग अ गर्ल, विच इज वाई आलिया को उसकी फुप्पो और उसके अब्बा समझाते हैं, और जब भी वो समझाते हैं वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाती है, वो थोड़ा सा सलमान से बेहतर तरीके से बात कर रही होती है। तो ये चीजें हैं जो मुझे जो मैं पिक कर रही हूँ, इस तरीके से मैं पिक कर रही हूँ। नाउ जब तो सलमान आई ने थिंक कहा लड़कों को भी सॉरी 1 मिनट लड़कों को भी गाइडेंस की जरूरत होती है जो उसकी अम्मा उसको बार बार प्रोवाइड करती है.
सलमान की जो शक्ल थी जब वो गाड़ी आती है घर के अंदर और वो ऊपर चला जाता है इंस्टेड ऑफ उसको मुबारकबाद दे और जाके ऑमलेट बनाना शुरू हो जाता है। अम्मा कहती है चलो, वो टॉन्ट करती है जो भी कहती है, बट आई लाइक इट दैट शी सेड मुझसे मत बात करो, तुम जाके उससे बात करो, बिकॉज योर रिलेशनशिप विथ हर, योर कम्युनिकेशन नीड्स टू बी ओके ओवर देयर। तुम्हें कोई बात बारी करी है, गो टॉक टू हर। एंड वो जब भी उसकी अम्मा ने उससे कहा है, उसने जाके बात करी। सो बोथ ऑफ देम नीड दैट गाइडेंस ओवर सही हियर। बात है। और वो लड़की, वो हम कब से, हाँ ये बात तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि सलमान की हाँ माँ इज अ रिफ्रेशिंग कैरेक्टर, बिकॉज शी हैज बीन डूइंग व्हाट द मदर्स ऑफ सन्स यूजुअली डोंट डू। सो इट्स ऑलवेज वेरी नाइस कि जब भी हम सलमान की माँ का कुछ देखते हैं। लेकिन इस बार आई एम सॉरी, मैं थोड़ा थक गई। मुझे लगता है कि वो प्यार से बात करती है, आराम से बात करती। वो हर बार ऊपर से तन से लेकर आती है। वो बंदा ऑलरेडी इतना परेशान है क्योंकि सलमान उनकी बात सुनता है। इट्स नॉट दैट कि सलमान डज नॉट लिसन टू हर, सलमान ऑलवेज लिसन टू हर। तो वो आराम से बात करती, प्यार से बात करती, तो मुझे अच्छा लगता है। आई वाज लाइक, ये बंदा इतना परेशान है, आप आके उस पर और टॉन्ट करिए। बट कमिंग बैक टू दैट टाइम, जब आलिया गाड़ी लेकर आती है, गाड़ी हाँ लेकर गो आती ऑन। है, आई जस्ट लव्ड इट जब आलिया गाड़ी लेकर आती है, बिकॉज उन्होंने एक साइलेंस, देयर वाज अ साइलेंस, हर किसी के चेहरा डग 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 डग, एंड यू आर थिंकिंग क्या होगा, सब शक करेंगे, सब ये करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ, आलिया पानी पी रही है, सोफिया, वो सामिया उससे पूछ रही है अच्छा और पर्क्स भी मिलेंगे। तो आई लाइक द वे जिस तरह ड्रामेटाइज करते हैं, एंड दे आर मेकिंग अस थिंक ऑन समथिंग, बट कुछ और ही चीज लेके चले जाते हैं। एंड नोबडी डाउटेड हर कि वो गाड़ी क्यों लेकर आई है, क्या डिड उसको। आलिया, आलिया सॉरी, जब आलिया गाड़ी से उतरती है, खड़ी होती है, और जब आलिया मिलती भी है, डिड आलिया थिंक सर ने उसको इसलिए दिया और सब लोग ये सोचेंगे क्या इसलिए वो चुप थी? डिड आलिया थिंक दैट, डिड आलिया थिंक कि असगर ने उसको इसलिए गाड़ी दी है बिकॉज ही लाइक्स हर, क्योंकि वो चुप थी? उसने पहले भी क्वेश्चन किया, और जब वो खड़ी भी हुई उसने नॉर्मली क्यों नहीं रिएक्ट किया अपने घर में कि भाई मुझे गाड़ी मिली है ऑफिस की तरफ? इसलिए बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट जो ऑलरेडी हो चुका था ना लास्ट टाइम बर्थडे वाला, तो उसको पता था कि क्या हुआ है। तो अब उसको ये था कि अब वो बर्थडे वाला इंसिडेंट हुआ, अब ये गाड़ी मुझे दे दी है। अब ये गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट में तो हाँ नहीं है, देखो वहां पे भी कंफ्यूजिंग बात है। वो कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ वो कहती है मैंने पढ़ा इसमें वो नहीं कहती है है। नहीं है। हाँ तो वो कह के निकल जाता है, नहीं कोई और इम्प्लॉय भी होता तो उसको ये मिलता है। एंड उसको काम डाउन करने के लिए रुक के कहता है जब आप जाएंगी, जॉब छोड़ेंगी तो गाड़ी भी छोड़ के चले जाइएगा। सो ही हैंडल्ड इट वेरी दैट वे, बट वी डोंट नो वाकई कॉन्ट्रैक्ट में था या नहीं था। सो मे बी ही डिड गिव हर आउट ऑफ थिंकिंग, आउट ऑफ सिंपथी फॉर हर, एंड उसने ले ली है। सो अगेन ये क्वेश्चन है कि शुड शी हैव टेकन द कार और शुड शी हैव नॉट टेकन द कार, बट अगर वो इतनी मेहनत कर रही है, उसको दे दिया तो ठीक है, उसने ले ली है। शी इज क्लियर इन हर माइंड कि मैं असफर के साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ और ना ही असफर में कोई इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट जब वो उतरी, तो उसके जहन में ये था कि सब क्या सोचेंगे। वो कॉन्शियस थी बट किसी ने कुछ नहीं बोला, अब्बा ने भी नहीं बोला। हाँ सलमान ने देखा, उसने सर हिलाया और ऊपर चला गया, और फिर उसने अपना ऑमलेट बनाया अपनी थेरेपी के लिए। सो यस, उसके लिए मैं सलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो मुझे लगता है अगर मैं सलमान की जगह होती तो मैं भी शायद इतनी ही परेशान होती, क्योंकि आलिया बात नहीं कर रही है। सो आप ये देख रहे हैं, कुछ आपको साइन नजर आए, आप घबरा रहे हैं, फिर एक और साइन, फिर एक और साइन, आप घबराए पे घबराए जा रहे हैं। मुझे लगता है एक अगर लड़की होती उसकी जगह तो वो तो शायद रोना शुरू हो जाती, उसकी तो डिप्रेशन में चली जाती कि यार ये तो बंदा, ये तो निकल गया मेरे, ही इज गॉन, आई डोंट हैव एनी होप, बिकॉज ये तो वो लड़का है और ही इज स्ट्रॉन्ग, तो ही इज वेटिंग एंड ही इज थिंकिंग, दैट्स हाउ आई एम थिंकिंग, मुझे ये लग रहा है। बट आप सोचे ना, एक के बाद एक चीज आपको ये दे रही है कि ओ ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब अगला वो उसको प्रपोज करेगा। सो व्हाट्स द गारंटी कि आलिया मना नहीं करेगी, अच्छा, आलिया का प्रोग्रेशन बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा रहे हैं अस्पर से सिंस लास्ट एपिसोड गोइंग फॉरवर्ड। पहले वो शुरू में जब वो धड़ल्ले से लड़ रही थी उसके साथ, कह रही थी मेरा भी दिमाग खराब होता है ब्ला ब्ला ब्ला, फिर जब बर्थडे पे देखा, फिर जब उसने कहा रेजिग्नेशन वापस लें और आप इस ऑफिस से कदम बाहर नहीं निकालेंगे जब तक मैं चुपचाप, भीगी बिल्ली, रेजिग्नेशन वापस। अभी भी जब उसने गाड़ी का कुछ कहा तो वो चुपचाप उसने कर लिया। सो उसका जो डिफेंस है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रहा है अगेंस्ट असफर। देर इज अ चेंज इन देयर रिलेशनशिप ओवर देयर। आगे जाके जब वो कहेगा तो पता नहीं क्या करेगी। ओके, आई फील दैट दिस मे बी वेयर द, जो मैंने ये बात बहुत पहले भी बोली थी कि कुछ चीजें आई विश दे हैड शोन आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ आलियाज कैपेबिलिटी एज अ वर्किंग एम्प्लॉय। सो हियर आई ऑल्सो फील दैट आलिया का डिफेंस में ऐसे नहीं सोचना चाहती कि वीक हो रहा है, मैं ऐसे सोचना चाहती हूँ कि एक्चुअली वो फील करती है कि वो उसने इतना किया है कि वो ये चीजें डिजर्व भी करती है, और ये कि असपर की उसको एक डिफरेंट साइड, विच इज मोर, विच इज बेटर,
विच इज अ बेटर ह्यूमन ह्यूमेन वो उसको नजर आ रही है, यू नो, जो उसको बर्थडे पे नजर आई, जो उसको सैरिश के थ्रू नजर आती है. एंड ऑल्सो मे बी जब उसने वो तस्वीर देखी, तो जो हम नहीं समझते कि होना चाहिए था, फिर भी उसको ये एहसास हो रहा है कि हाँ, आई कैन प्ले अ पार्ट इन ब्रिंगिंग द फैमिली टुगेदर. सो आई फील दैट इट्स नॉट दैट हर डिफेंस इज वीकनिंग बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, इट्स जस्ट दैट शी इज अ नाइस पर्सन, तो ये सब चीजें हो रही हैं. ऑल राइट, लेट्स सी आगे जाके देखते हैं क्या हो रहा है. आई एम नॉट श्योर क्या हो रहा है माई सेल्फ. आई डोंट थिंक आलिया को भी पता है कि क्या हो रहा है, बट यू आर राइट अबाउट दैट. क्योंकि उसने कहा था अगर वो ये कह देता कि आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, वो दिखाती कि शी हैड वन अ बिग कॉन्ट्रैक्ट एंड देन शी गॉट द कार, इट वुड हैव बीन बेटर फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. सो कमिंग टू तानिया वाला पॉइंट, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? आई थॉट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे ख्याल ये नहीं आया था कि वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही है. ये मुझे बाद में ख्याल आया जब बब्बा ने आके कहा, और फिर वो घर वालों को सबको, एंड इट्स वेरी ट्रबलिंग अगर घर में और इस तरह के ना सिंपल जो लोगों का लाइफ स्टाइल है उनके घर में इस तरह थ्रेटनिंग कॉल्स आए और अम्मा को इस तरह की. बल्कि आई वुड से ऑल क्रेडिट टू तानियाज पेरेंट्स जिन्होंने उसको, फिर भी अम्मा ने तो कहा कि घर पे रुको ये करो, लेकिन फिर भी आई थिंक काफी हौसले से उन्होंने बात सुनी, कुछ किया नहीं. बट आई लाइक इट दैट ही कॉल्ड अप थानवी एंड ही सेड करो, एंड आई लाइक इट कि वो सलमान ने भी कहा, लेकिन सलमान ने कोई एक्टिव स्टेप्स का नहीं कहा. उसने कहा कि मैं हूं ना टार्जन, तो वो बन गए बकौल आलिया, लेकिन आगे करेगा क्या? आई मीन व्हाट विल इट, वो कॉलेज जाएगी, मेरे दिमाग में तो यही है. बेचारे सलमान रस्ते के में इतने अगेंस्ट क्यों हो भाई? तुम बेचारे सलमान के इतने अगेंस्ट क्यों हो? सलमान सलमान को गाइडेंस चाहिए फ्रॉम हिज मदर, सलमान को ये नहीं करना चाहिए. अरे क्या मतलब है, छोड़ दो सलमान को भाई, क्या मतलब है? हेलो, अब सलमान क्या मतलब, सलमान ने तो बहुत सीरियसली, आई लाइक सलमान एंड आई एट द एंड ऑफ द डे आई वांट सलमान एंड आलिया टू बी आप चाह टुगेदर. रही है कि सलमान आप इस वक्त आपको मैनुअल 101 दे देता, दिस इज हाउ आई एम गोना डू, दिस इज व्हाट आई विल डू, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. अरे भाई अच्छा अब कल उसको तो पता चल तानिया को कॉलेज भेज देंगे और फिर तानिया के साथ कोई हादसा हो गया तो ये सब मुझे तो अगली इसका वीडियो में डर है ना. पता चलेगा. उस वक्त बात हुई है, उसने हाँ तसल्ली दी है, जब जैसा कुछ होगा तो वो आप विल टेक एक्शंस, गिव हिम सम टाइम. भाई तुम क्यों आलिया पहले की इंतजार करें. हाँ वो आएंगे किडनैपर्स के नहीं, पहले भाई हम आपके घर में घंटी बजा के सलमान भाई आपको बता देंगे कि हम तानिया को किडनैप कर रहे हैं. दिस इज कि प्योर ऐसी को फोन करे डिस्क्रिमिनेशन, कुछ करे दिस इज प्योर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सलमान. ओके, थानवी साहब ने क्या कर लिया? सवाई नहीं. आई हो लाइक जाएगा. सलमान, आई सेड आई एम टीम सलमान आलिया फ्रॉम डे नो नो नो, वन. सॉरी सॉरी, बिल्कुल इट ओपन डिस्क्रिमिनेशन है सलमान के अगेंस्ट. थानवी साहब ने क्या कर लिया सवाई इसके कि हो जाएगा, आई विल टेक, आई हैव टेकन केयर ऑफ इट. भाई क्या टेकन केयर ऑफ, नंबर निकलवा लिया ना, आई है बताने के लिए कि मुझे नंबर मिल गया है कहाँ से फोन आ रहे थे. वो तो पता चल गया था और वो नंबर बंद था. उसके बाद क्या हुआ? नहीं तो थानवी साहब ने ही तो नहीं कहा ना मैं हूं ना ऑन उन्होंने कहा अनदर हमारे नोट. साथ है. नो, उन्होंने कहा हमारे अच्छा साथ है. ऑफ कोर्स थानवी ने मुझे कहा मुझे हमारे ये साथ. बात बहुत अच्छी लगी, विच वाज वेरी स्वीट, कि व्हेन ही गॉट दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम आलिया सलमान, वो एकदम से सीना तान के खड़े हो गए. यू नो देयर वाज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस इन द वे ही वाज टॉकिंग एंड रिएक्टिंग, कि उसको पता चल गया कि आलिया लाइक्स हिम, जो उसने अभी तक कहा नहीं था कभी. और उस वजह से मुझे वो उसके बाद जो सीन, तो आई हैव टू थैंक द एडिटर फॉर दैट एडिट, कि उसके बाद फौरन उन्होंने वो सीढ़ियों वाला सीन दिखाया. जी कहिए. नहीं, मुझे लगता है सलमान वैसे भी अच्छे से ही पेश आता, इवन अगर आलिया ने उसको नहीं कहा होता, सलमान स्टिल वुड हैव ऑफर्ड दैट. सलमान इज नॉट ओके लाइक दैट, दैट्स व्हाट आई ऑफर लाइक. तो कर देता, लेकिन वो मैं हूं ना वाला डायलॉग जो है वो बहुत अच्छा डायलॉग था. आई लाइक द लास्ट डायलॉग जो वो बोल के जाता है, मैं वो करूंगा जो तुम नहीं कर सकती, कन्फ्रंटेशन. ठीक है, सो उसने स्टेप 1 तो बता दिया. नाउ कमिंग टू द फैक्ट दैट आई रियली फाइंड इंटरेस्टिंग इज, ये बड़ा एक रेलेवेंट टॉपिक है कि आजकल कितनी दफा आप किसी चीज पे आवाज उठाना चाहते हैं, बट यही होता है, आपको डर लगता है कि कोई कुछ धमकी दे देगा, कोई कुछ कर देगा. तो लड़कियां, लड़के, फैमिलीज कोई भी हक की बात नहीं बोलता बिकॉज एवरीबडी इज स्केयर्ड ऑफ इट. यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि वो लड़की ने कर दिया है, घर में कोई मर्द है सच नहीं है, 3 बेटियों वाला घर है, उनको धमकियों वाले फोन आ रहे हैं, और बाप इतना प्रोग्रेसिव होने के बावजूद वो कहते हैं, जो उनकी बात सही है, मैं बदमाशों से पंगा नहीं ले सकता. जिसपे सलमान ने उनको बोला कि नहीं, जब आपने उसको इतनी वो दी है तो नाउ दिस इज द टाइम यू स्टैंड बाय हर. थानवी ने भी उनको यही बोला. ठीक है, सो इट्स इंटरेस्टिंग एंड आई वॉन्ट टू सी हाउ दे विल डील विद इट, बिकॉज एक तरफ मैं सोचती हूँ कि आई डोंट नो, शुड यू बी केयरफुल, शुड यू रियली बी दैट एडवेंचरस, क्योंकि अगर Yes, कुछ you should हो be गया तो careful. क्या होगा. दूसरी तरफ आई एम लाइक, अगर लोग बहादुरी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो ये चीजें कभी बंद ही नहीं होंगी, बिकॉज हर कोई डर के बैठा जाएगा. तो आई एम हैप्पी द ड्रामा इज एटलीस्ट अटेम्प्टेड टू टॉक अबाउट इट. मुझे नहीं पता आगे क्या सोल्यूशन वो दिखाएंगे.
और दूसरी चीज जो हमेशा मैं कहती हूँ वो ये इस ड्रामे में कि भाई अगर एक ने कुछ किया तो कंबाइन एफर्ट्स हो ना, तो शायद जैसे थानवी अब इज हेल्पिंग देम, सलमान विल हेल्प देम, दे आर नॉट अलोन, यू नो, और वो उसने या कितनी सही बात बोली. तानिया शुड नॉट हैव डन दिस ऑल बाय हरसेल्फ. तानिया शुड हैव अप्रोच्ड एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर वो इंस्टाग्राम अकाउंट से भी कर रही है तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से नहीं करती, एक बनाती इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर दिस कॉज दैट शी इज सपोर्टिंग. दिस इज आई थिंक आई एम थिंकिंग इन माई माइंड इफ आई वर इन तानिया प्लेस व्हाट वुड आई डू. क्योंकि जब आप ये स्टेप्स उठाते हैं आपको अपनी खैरियत और अपनी फैमिली की खैरियत, इसीलिए मैंने कहा कि सलमान को CPLC या किसी को फोन करना चाहिए था. क्योंकि कल आप ये कह रहे हैं बच्ची को घर में मत बंद करें, बच्ची बाहर जाएगी खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है उसके साथ. सो इसलिए एंड जरूर स्टेप्स लेने चाहिए, लेकिन उस अपने आप को सेफ गार्ड भी करना चाहिए जहां तक कर सकते हैं. ठीक है जी, दैट इज ऑल. वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट आर हैपनिंग इन कुछ एंड कहीं. और मजा आता है देख के. ये वाली एपिसोड तो मुझे बहुत, वाली एपिसोड तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. आई रियली एंजॉयड वॉचिंग इट. इट वाज रियली इंटरेस्टिंग. और मुझे लग रहा है सोफी को जो है वो थोड़ी थोड़ी धीमी भी होती चली जानी है थानवी के साथ, तो ये भी एक प्रोग्रेशन उन्होंने दिखाया है व्हिच इज रियली नाइस टू वॉच. तीनों बहनों का जो ओके इंटरेक्शन एंड गाड़ी में वो भी बहुत जबरदस्त था, क्योंकि बहनें ऐसे ही होती आप हैं, जो दिल ऐसी स्टैंड होती लाइक, हैं. बट उसी बात पे वो आपका मजाक भी उड़ाएंगी, है ना. आई लव्ड इट. हाँ वो उससे कहती नहीं नहीं मैं बताती हूँ, ये क्या कहेगी. फिर वो कहती नहीं नहीं मैं बताती हूँ. एंड इट वाज रियली वेरी नाइस टू सी दैट, वेरी रिफ्रेशिंग. इट वाज वेरी नाइस. या वेल शॉट सीन देयर. ठीक है जी, ओके दैट इज ऑल आई थिंक फ्रॉम आवर साइड फाइनली. थैंक यू. एंड बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी गुफ्तगू एंड वेयर विच साइड आर यू ऑन. लॉट्स ऑफ पीपल आर फॉर आलिया एंड असफर बाय द वे. एंड मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर. आई लव द वे शहरयार इज डिलीवरिंग द कैरेक्टर. आई लव असफर बट एट द एंड ऑफ द डे आई वांट सलमान एंड आलिया टुगेदर. तो आर यू टीम आलिया सलमान और आर यू टीम आलिया असफर? लेट अस नो. चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.